आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम आपसे बात कर रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस की, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। एक बार स्टार्टिंग से हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे 10 मिनट लगाकर, फिर हम आज की बात करेंगे। आज बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल भी आज टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, बहुत ही जनरल लेमैन वाली बातें करेंगे। देन अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो कल की क्लास होगी वो थोड़ी सी टेक्निकल रहेगी। इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी कल, वो थोड़ी सी टेक्निकल रहेगी। तो आइए आज की इस क्लास की बात करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो रेजिडेंशियल स्टेटस तीन तरह का हो सकता है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एंड रेजिडेंट सॉरी नॉन रेजिडेंट। अब ये जो ROR, RNOR और NR होगा, इसके लिए आपको दो conditions दी गई हैं, एक बेसिक कंडीशन और एक एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन को आप रेजिडेंट मानेंगे अगर उसका इंडिया में स्टे 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होगा, और दूसरी कंडीशन जो साथ के साथ दी गई थी उसमें 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर अगर उसका स्टे होगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अब ये जो दूसरी कंडीशन थी 60 प्लस 365, ये एप्लीकेबल नहीं होगी कुछ खास लोगों के लिए। वो खास लोग कौन है? इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया छोड़कर चले गए हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, और वो इंडिया घूमने आते हैं। दूसरे वो लोग जो इंडियन सिटीजन हैं और एम्प्लॉयमेंट बिजनेस की वजह से इंडिया छोड़कर चले गए हैं, या मेंबर ऑफ क्रू हैं और मेंबर ऑफ क्रू होने की वजह से वो इंडिया छोड़कर चले गए हैं, तो उन पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट आई, दो स्पेसिफिक अमेंडमेंट थी। एक अमेंडमेंट आई जिसमें ये बताया गया कि ये जो 60 प्लस 365 दिन वाली कंडीशन है इसको हम बदल कर रख देंगे 120 दिन प्लस 365 दिन उन लोगों के लिए जिनकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सोर्सेज इनकम। तो उन लोगों के लिए जो 60 प्लस 300 वाली कंडीशन है उसको जस्ट रिप्लेस कर दिया गया है किससे, 120 प्लस 365 से। तो अगर मैं इस बात को इस तरह भी कहना चाहूं कि आपको दो कंडीशन पढ़ाई गई हैं, 182 दिन वाली और दूसरे में पढ़ाई गई है आपको 60 दिन वाली कंडीशन, दूसरे में आपको पढ़ाई गई है 60 प्लस 365, तो जो 15 लाख से ज्यादा वाले लोग हैं, 15 लाख से ज्यादा वाले लोग हैं इंडियन सिटीजन POI, तो उनके लिए ये कंडीशन काट दी और ये कंडीशन लिख दी 120 प्लस 365। फिर इसके बाद एक और अमेंडमेंट आई, अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है, किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको उस केस में इंडिया अडॉप्ट कर लेगा और इंडिया उसे डीम्ड रेजिडेंट मान लेगा। ये बात हमने लिखी थी सेक्शन 6(1)(a) के अंदर। तो अगर आपको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया गया है इस वाले सेक्शन में, तो वहां पर आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे, आप ROR नहीं हो पाएंगे। अगर किसी पर्सन को 120 प्लस 365 दिन की वजह से भी रेजिडेंट मान लिया गया है तो ऐसे में वो भी रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा, उसे भी आप ROR नहीं बनाएंगे। फिर मैंने बताया था आपको ROR बनने के लिए क्या कंडीशन है, तो ROR बनने के लिए अगेन आपको दो कंडीशन दी गई थी और दोनों ही आपको सेटिस्फाई करनी थी। सबसे पहली कंडीशन आपको बताई गई थी कि आपको कम से कम पिछले 10 सालों में, आपको पिछले कम से कम 10 सालों में दो बार रेजिडेंट होना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन साथ के साथ क्या दी गई थी कि आप पिछले 7 सालों में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेंगे। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे देन यू विल बिकम अ रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, अदरवाइज यू विल बिकम RNOR। तो दोनों ही कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हमने कुछ छोटी छोटी बातें और पढ़ी थी जो आपको याद रखनी है कि पीरियड ऑफ स्टे 24 घंटे का लेना है, एक साथ नहीं रहना है, इस तरह की कुछ बातें, वो आप बुक में देख लीजिएगा। नाउ आई एम टेकिंग डाउट ऑफ आंचल। आंचल इज सेइंग सर POI इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ डीम्ड रेजिडेंट ऑफ सेक्शन 6(1)(a)। द आंसर इज नो। आप देखिए 6(1)(a)(10) मैंने POI लिखा हुआ है और फिर उसे काटा हुआ है। ऐसा मैंने इसीलिए किया है ताकि आपके माइंड में ये बात फिट हो जाए कि POI इस कंडीशन में नहीं आते। तो 6(1)(a) में कौन फंसेगा? केवल इंडियन सिटीजन आकर यहां पर फंसेंगे, केवल इंडियन सिटीजन इस 6(a) में आकर फंसेंगे। क्लियर है आंचल? देखिएगा एक बार मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं आपके लिए, फिर से ओपन करते हैं उस चार्ट को और यहां पर आइए मेरे साथ।
6(1)(a) की कंडीशन देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा है, इंडियन सिटीजन, और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, और पीओआई, और पीओआई को मैंने काट दिया है। ठीक है, अब एक और बात समझने वाली है, एक और बात समझने वाली है, यहां पर देखिए पीओआई वगैरह के लिए, क्रू मेंबर के लिए मैंने 60 दिन वाली कंडीशन काट दी। अगर आप इसको जस्ट कंपेयर करते हैं 15 लाख वाले से, तो मैंने बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, एनालिसिस का मुद्दा है ये, देखिए यहां पर ये सेम चीज लिखी हुई है, और इस वाले के बदले मैंने बस इसको बदलकर 120 दिन कर दिया है, बाकी कोई चीजें नहीं है। तो अगर मैं आज एक डिफरेंट लैंग्वेज में आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं, तो मैं ये कह सकता हूं बेसिक कंडीशन में आज भी दो कंडीशन है, 182 प्लस दूसरी, और जो दूसरी कंडीशन है 60 प्लस 365, लेकिन उस 60 की कंडीशन को काट कर 120 कर दो अगर आप 15 लाख से ऊपर वाले पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, वरना आपके लिए वो पहला जैसा लॉ चल रहा था वही चल रहा है। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, मैंने लास्ट क्लास जब कंक्लूड करी उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया, और उस स्टूडेंट ने मेरे से क्वेरी पूछी। क्वेरी क्या थी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था अभी अपनी लास्ट क्लास में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसने क्वेरी पूछी, एंड आई रियलाइज कि मैंने भी आपको वो पॉइंट जल्दी जल्दी में करा दिया, या मैंने आपके हाँ में हाँ मिलाते हुए, या आपने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए पॉइंट कर दिया, लेकिन हमने एक चीज स्किप कर दी। तो वापस आइएगा मेरे साथ उस क्वेश्चन पर, वापस आइएगा मेरे साथ उस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन हम जो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप सभी को याद होगा। आंचल का क्वेश्चन है, सर पीओआई इंक्लूड क्यों नहीं होता? देखिए पीओआई पे ना इंडिया का कोई हक नहीं है, आप मेरी बात को समझिएगा। पीओआई कौन बंदा हो सकता है, जो या तो खुद या फिर उसके माता पिता या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। अब सपोज करिए कोई पर्सन जिसके माता पिता इंडिया में बॉर्न हुए थे, लेकिन आज की डेट में वो पाकिस्तान में रहता है, या उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तो क्या इंडिया उसे कंट्रोल कर पाएगी, क्या इंडिया उसे अडॉप्ट कर पाएगी? नहीं, इंडिया केवल उसको अडॉप्ट करेगी जो इंडिया का नागरिक होगा। अब मैं ऐसे ही बच्चे को तो कंट्रोल कर सकता हूं जो मेरे घर का बच्चा होगा, मैं पड़ोसी के बच्चे को थोड़ी कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर वो खेल कूद रहा है, शैतानी कर रहा है, तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल अपने घर के बच्चे को ही कंट्रोल कर सकता हूं। दैट इज द रीजन कि पीओआई इंक्लूड नहीं होता एडॉप्शन वाली केस में, मतलब डीम्ड रेजिडेंट के केस में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, आप सभी को याद होगा, हमने यहां पर देखा था 14 लाख रुपए की इनकम है, 14 लाख रुपए की इनकम है, और 14 लाख रुपए की इनकम होने की वजह से इसके ऊपर दूसरी वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ये 14 लाख की इनकम है, 15 से ज्यादा होती तभी तो आप 120 365 वाली दिन की कंडीशन लगाते। अब क्योंकि इसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो इसके ऊपर तो 120 दिन और 365 वाली कंडीशन नहीं लगेगी, यहां पर इसके लिए केवल कौन सी कंडीशन चलेगी, 182 दिन। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, पॉइंट नंबर ई जब डिस्कस किया तो हमने इसको रेजिडेंट का दर्जा दे दिया, क्या देखते हुए कि 120 दिन तो ये रह लिया और 365 दिन रह लिया, लेकिन हम ये भूल गए, क्या भूल गए हम, कि इस क्वेश्चन में इनकम कितनी है, 14 लाख है, और जब 14 लाख इनकम है तो इसका मतलब आपकी इनकम 15 लाख नहीं है, आप उस वाले ट्रैप में नहीं फंसे हैं। तो जब आप 15 लाख की इनकम कमा ही नहीं रहे, आप उस वाले क्लॉज में आते ही नहीं, उस वाले प्रोविजन में आते ही नहीं, तो आप कैसे रेजिडेंट बन जाओगे? आप तो रेजिडेंट तब बनोगे ना जब 182 दिन रहोगे, जो कि आप रहे नहीं। तो यहां पर जो आंसर दिया हुआ था मैंने, दैट वाज द करेक्ट, नॉन रेजिडेंट इज द आंसर। हमने क्या किया डिस्कशन में, इसको रेजिडेंट बना दिया, और मैंने आपको बोला ये नॉन काट दीजिएगा। तो अगर आपने इसको काट दिया है अपनी बुक से, तो वापस रीइंस्टेट कर लीजिए पेन से। आंसर इज करेक्ट, इट इज अ नॉन रेजिडेंट। बट गलती कहां हुई थी, हमने इस 14 लाख रुपए को थोड़ी देर के लिए ओवरलुक कर दिया था, हमने इस 14 लाख रुपए को थोड़ी देर के लिए ओवरलुक कर दिया था। दैट वॉज द मिस्टेक डन इन द लास्ट क्लास। आई होप यहां पर किसी को कोई डाउट होगा, बताइए किसी को यहां तक कोई डाउट है इस पॉइंट पर?
यस और नो? चलिए, तो अगर किसी को कोई डाउट हो अभी पूछ लीजिएगा, बिकॉज द थिंग इज करेक्ट, द आंसर इज नॉन रेजिडेंट, बिकॉज वो 15 लाख की इनकम नहीं कमा रहा है. अगर वो 15 की कमाता तो हम उसे 120 प्लस 365 वाली कंडीशन पर लाते. उसने 15 लाख की इनकम कमाई ही नहीं, तो वो अभी पुराने प्रोविजन जो बेसिक चल रहा था पहले से वैसे चलता रहेगा. हाँ जी, इतनी बात क्लियर है. आइएगा मेरे साथ क्वेश्चन 17 देखते हैं, फिर हम अपने एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 18 की. अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 होमवर्क दिए थे, इसमें किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट इन द होमवर्क सेक्शन? जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, क्या उसमें से किसी को कोई भी डाउट है? क्वेश्चन 19, 20, 21 नहीं है कोई डाउट, चल सकते हैं आगे. आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा मेरे साथ. क्वेश्चन 17 सेज, ए जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, हैज बीन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन इन सिंगापुर. ए जो है इंडिया का सिटीजन है, सिंगापुर में प्रोफेशन करता है, विच इज सेट अप इन इंडिया. ही विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर फॉर 145 डेज. Determine his residential status for the assessment year 2022-23 if he has earned the following income during the previous year. तो income उसको दी गई है, taxable Indian income 8 लाख रुपए. तो एक बात बताइए, जब आपकी 8 लाख रुपए income होगी, जब आपकी 8 लाख रुपए income होगी, तो आपको resident बनाने के लिए दो condition दी जाएंगी, basic condition. एक होगी 182 दिन की, और जो दूसरी कंडीशन आपको दी जाएगी वो 60 प्लस 365. लेकिन 60 प्लस 365 आपके लिए खत्म कर दी गई है. रीजन बीइंग, आप हैं इंडियन सिटीजन और आप बिजनेस और प्रोफेशन के लिए चले गए हैं दूसरी कंट्री, अब्रॉड चले गए हैं. तो आपको अगर मुझे रेजिडेंट बनाना है, अगर आपको मुझे रेजिडेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अगर मुझे रेजिडेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको या तो 15 लाख रुपए की इनकम कमाई जाए तब जाके मैं आपको रेजिडेंट बनाऊं, या फिर आप 182 दिन वाली कंडीशन पूरी कर दो तो उस हिसाब से आप रेजिडेंट बन जाओगे. यस और नो? आगे देखिएगा क्वेश्चन. उसको एक और इनकम आती है इन अ प्रोफेशन इन सिंगापुर. 10 लाख रुपए की उसे इनकम आती है, तो 8 लाख रुपए की तो इंडिया में इनकम है, एक 10 लाख रुपए की उसे इनकम और मिलती है जो कि प्रोफेशन से. और प्रोफेशन कहां से चलता है उसका? इंडिया से चलता है. सेटअप कहां पर है? इंडिया में. तो अब आपकी इनकम कितनी हो गई है? 18 लाख रुपए. अब बताइए, जब आपकी इनकम 18 लाख हो गई है तो अब 15 लाख वाले ट्रैप में आप आ गए. अब क्योंकि आपकी 15 लाख से ज्यादा इनकम है, तो ऐसे में आपके लिए जो कंडीशन हो जाएगी वो 182 दिन की हो जाएगी और साथ ही साथ 120 दिन प्लस 365 दिन की हो जाएगी. अब दोनों में से जो भी आप पूरी कर देंगे कंडीशन, हम उसमें आपको रेजिडेंट बना देंगे. तो बताइए, आप कितने दिन इंडिया में रहे हैं? 145 डेज. आप कितने दिन इंडिया में रहे हैं? 145 डेज. तो क्योंकि आप इंडिया में 145 रहे हैं, इसका मतलब 120 से तो ज्यादा ही रहे हैं, तो यहां पर मैंने आपको बना दिया रेजिडेंट. यहां पर मैंने आपको बना दिया रेजिडेंट. और जब आप 15 लाख की वजह से रेजिडेंट बनते हैं, जब आप 15 लाख की वजह से रेजिडेंट बनते हैं, तो वहां पर आप किस तरह के रेजिडेंट कहलाते हैं? रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. किस तरह के रेजिडेंट कहलाते हैं आप? रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. तो यहां पर आपके लिए आंसर होगा RNOR. क्लियर? आगे देखिएगा, एक और पॉइंट दिया है. अदर इनकम अर्नड इन अ सिंगापुर. तो ये मेरे लिए इनकम इररेलेवेंट है बिकॉज इट इज अ फॉरन इनकम. इट इज अ फॉरन इनकम. आगे भी देखिएगा. ए इज लाइबल टू पे टैक्स इन अ सिंगापुर. अब इस लाइन की क्या रेलेवेंस है पूरे क्वेश्चन में? इस लाइन की क्या रेलेवेंस है पूरे क्वेश्चन में, कौन बताएगा मुझे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ए इज अ लाइबल टू पे टैक्स इन अ सिंगापुर, इस लाइन की क्या रेलेवेंस है और इस लाइन के लिखे होने से क्वेश्चन में क्या बदलाव आ जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में कि अगर ये लाइन लिख दी गई है तो? सिक्स वन ए नहीं लगेगा. बिल्कुल ठीक है चंचल, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. 61A इस पर
नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इज लाइबल टू पे टैक्स इन सिंगापुर। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया है आंचल का, एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर 365 दिन वाली कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन हमें कहीं नहीं कहता कि 365 दिन वाली कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है। यस आंचल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वो पिछले सालों में 365 दिन रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये क्वेश्चन में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन कहीं भी नहीं कहता पिछले सालों में उसका कितने दिन का स्टेटस है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, बट अगर आता भी है तो आप नोट दे दो, अजम्पशन दे दो। अब अजम्पशन एक बच्चा ये देगा कि सर मैंने मान लिया है कि वो पिछले सालों में 365 दिन रहा है, तो उसका आंसर बन जाएगा रेजिडेंट। और एक बच्चा अजम्पशन ये भी दे सकता है कि मैं मानता हूं पिछले सालों में वो 365 दिन नहीं रहा है, तो उसका आंसर आएगा नॉन रेजिडेंट। दोनों ही आंसर ठीक होंगे। मैंने जिस अप्रोच को लिया है उस अप्रोच में मैंने ये नोट एज्यूम किया है कि वो पिछले सालों में 365 दिन रहा है, और जो लोग ये अप्रोच ले रहे हैं कि वो नहीं रहा है, आंसर उनका भी ठीक होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये कि पिछले साल का स्टेटस आपको नहीं बताया गया है। आइएगा इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे एग्जाम में वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सो मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी कंसीडर एज रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट एज हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इज फॉर 145 डेज एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर्सन शैल बी रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाई दी बिलो कंडीशंस ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और ही स्टे इन द प्रीवियस ईयर ही स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन द लास्ट फोर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। सो पर्सन कवर्ड अंडर सेकेंड कंडीशन शैल बी डीम्ड टू बी द रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यहां पर नोट जो मैंने आपको बोला वो भी आप देंगे साथ में। We have assumed that
we have assumed that person stay in India in the last 4 immediately preceding the preceding previous year, 4 immediately preceding previous year. We have assumed that person stay in India for, यहां पर एक लाइन और जोड़ेगा, मिस हो गई है, for 365 days in last 4 immediately preceding the previous year. ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आपका आंसर क्या निकल के आएगा फिर, R N O R. क्लियर. हाँ, एक चीज आप और लिखेंगे एग्जाम में, सिंस, यहां पर लिखेंगे सिंस द इंडियन इनकम इज मोर देन 15 lakh, देन फॉलोइंग प्रोविजन. अब आपको एग्जामिनर को यह भी तो बताना है ना कि मैं ये प्रोविजन जो लगा रहा हूं या लगा रही हूं वो क्यों, 120 दिन वाला ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी इंडियन इनकम 15 lakh से ज्यादा है. द मोर देन द 15 lakh देन फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी अप्लाई. तो ये जो मैंने आपको प्रोविजन नीचे दिया ये अप्लाई हो जाएगा. अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यू हैव अ टाइम ऑफ 1 मिनट, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चल सकते हैं आगे, कैन वी मूव ऑन, यस और नो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी मैंने आपको बोला था होमवर्क है, बट हम लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आइए इसको भी देख लेते हैं. इसको लिख के नहीं करेंगे, इसको जस्ट समझते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कहता है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, बिजनेस प्रोफेशन करता है सिंगापुर में, विच इज सेटअप इन इंडिया. सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस डेटा में कुछ चेंज किया है मैंने. ही विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 115 डेज, 115 दिन के लिए इंडिया में आया है. उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको बताना है. उसकी टैक्सेबल इंडिया की इनकम है 8 lakh rupees और उसकी सिंगापुर की इनकम है 10 lakh rupees प्रोफेशन से. तो ये दोनों मिलाकर उसकी बन गई है इंडियन इनकम. ये दोनों है उसकी इंडियन इनकम जो कि हो गई है 18 lakh rupees. और जैसे ही आपने 18 lakh rupees देखा, आपके दिमाग में एक बात आ गई कि अब इसको रेजिडेंट बनाना है, तो 182 दिन या फिर 120 दिन प्लस 365, ये वाली कंडीशन पूरी करवा दो. लेकिन इस बेचारे की किस्मत देखिए, इस बेचारे की किस्मत देखिए कि ना तो ये 182 से ही रेजिडेंट बन पा रहा है, ना ही 120 365 से रेजिडेंट बन पा रहा है. द रीजन बीइंग हिज स्टे इन इंडिया इज फॉर 115 डेज, 115 दिन के लिए वो इंडिया आता है और इसलिए वो रेजिडेंट नहीं बन पाया. आगे लिखा है क्वेश्चन में कि ए इज अ लायबल टू पे टैक्स इन सिंगापुर, हेंस आंसर इज नॉन रेजिडेंट. बताइए किसी को इस बात में कोई डाउट है कि क्यों नॉन रेजिडेंट बन गया? इस बात में कोई डाउट है? नहीं, किसी को भी नहीं है, सब समझदार हो गए हैं.
तीन क्लासे आई बिलीव हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस पर हो गई हैं। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कब एक पर्सन को रेजिडेंट बनाओगे, कब उसको नॉन रेजिडेंट बनाओगे। अब देखो सरकार भी बस आपसे यही चाहती है, एक्चुअली सरकार भी आपसे यही चाहती है कि अगर आप इंडिया में टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आप इंडिया में रहने भी मत आओ। आप अगर इंडिया में टैक्स देने नहीं आते हो या इंडिया में टैक्स देना नहीं चाहते हो तो आप इंडिया में आओ भी मत। आना है ना, आना है तो 120 दिन से पहले पहले इंडिया छोड़ के चले जाओ। इंडिया में बहुत ज्यादा समय मत गुजारो, क्योंकि अगर आपने ज्यादा समय गुजारा तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे और फिर हम आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स कर देंगे। अब हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तीन चीजों के बारे में, जिसमें ROR, RNOR और NR के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। इसमें मैंने बोला था ROR के केस में इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड टैक्सेबल होती है, मतलब वो इनकम होती है। यहां पर सेम बात थी और यहां पर भी सेम बात लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने बताया था अक्रू और अराइज। अब किसी ने मेरे से पूछा सर अक्रू और अराइज में क्या फर्क होता है, अक्रू और अराइज में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है मुझे अक्रू और अराइज में क्या फर्क होता है? यहां पर भी सेम लिखा हुआ था, यहां पर भी सेम लिखा था। अक्रू और अराइज सिनोनिम्स है, अक्रू और अराइज सिनोनिम्स है। अक्रू में आपका राइट बन जाता है किसी चीज को लेने का और अराइज में राइट नहीं बनता। अक्रू और अराइज सेम चीज है, अक्रू में आपका राइट बन जाता है लेने का और अराइज में राइट नहीं बनता। अराइज धीरे 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 होता है और बाद में वो अक्रू हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, आप जॉब करते हैं, आपको हर दिन की सैलरी मिलती है लेकिन मिलती कब है, 30 तारीख को। तो जब आप हर दिन जॉब करते 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 एक एक दिन निकाल देते हैं, जब आप आर्टिकलशिप में जाते हैं आपको स्टाइफंड मिलता है, हर दिन आप काम करते हैं तो आपका स्टाइफंड अराइज हो रहा होता है, अराइज हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही 30 तारीख आ जाती है और आपका स्टाइफंड आपका फाइनल हो जाता है कि आपने इतने दिन की प्रेजेंट रखी और आपका ये स्टाइफंड है, तो वो आपका अक्रू हो जाता है। जब तक, कब तक अक्रू रहता है, जब तक वो आपको मिल नहीं जाता। तो ये एक बहुत छोटा सा बेसिक डिफरेंस है अक्रू एंड अराइज में। मैंने आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपके एग्जाम के लिए हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे आप इसे पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रू एंड अराइज, कहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, पेज नंबर 35 पर आपको मिलेगा अक्रू एंड अराइज। तो ये आपका अक्रू है, ये आपका अराइज है, सिनोनिम डिफरेंस है, बहुत ज्यादा टेक्निकल इसमें डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव आरओआर के केस में भी टैक्सेबल है, आरएनओआर के में भी और एनआर के में भी। अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज दोनों में सेम है। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक पॉइंट आता है, अच्छा यहां पर है इन इंडिया, ये भी एक वर्ड है इन इंडिया, ये भी है इन इंडिया। सेम चीज अगर आउटसाइड इंडिया होगी तो वो आरएनओआर के आरओआर के केस में आ जाएगी, आरएनओआर के केस में नहीं आएगी। लेकिन वो बिजनेस और प्रोफेशन जो कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, सेटअप और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, वो इनकम यहां आ जाएगी और यहां पर ये ब्लैंक रहेगा, नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट केवल और केवल उस इनकम पर टैक्स देगा जो कि उसे इंडिया में मिली होगी या इंडिया में अक्रू अराइज ड्यू हुई होगी। क्लियर, इतनी बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब मेरे साथ आइएगा, एक छोटी सी बात और समझते हैं फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। छोटी सी बात आपको क्या समझनी है, मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दिया, मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दिया और रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने अभी तक आपको जो डिस्कस करवाया वो केवल और केवल इंडिविजुअल का करवाया कि एक इंडिविजुअल कैसे रेजिडेंट बनेगा, कैसे वो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेगा और कैसे वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं HUF कैसे रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेगा, कैसे RNOR बनेगा और कैसे NR बनेगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, जितना हमने टाइम इंडिविजुअल पर लगाया है उतना टाइम
HUF पर नहीं लगेगा। बहुत छोटी सी बात सुनिएगा, आपको एक मिनट में समझ आ जाएगी। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर इंडिया में बनी है और उसके डिसीजंस इंडिया में होते हैं, चाहे सारे के सारे डिसीजंस इंडिया में होते हैं, चाहे थोड़े बहुत डिसीजंस इंडिया में होते हैं, मतलब HUF जिसको कि इंडिया से कंट्रोल किया जाता है या इंडिया में कंट्रोल किया जाता है, तो वो HUF आपके लिए रेजिडेंट है। तो वो HUF आपके लिए रेजिडेंट है। अगर उस HUF के सारे डिसीजंस, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर चलता है, इंडिया के बाहर से होता है, तो उस केस में वो HUF आपके लिए नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। सिंपल सी एक दो ही बातें मैंने बताई। सर, HUF के अगर डिसीजंस, मीटिंग्स, उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, चाहे थोड़ी बहुत या पूरी की पूरी, तो उसके केस में HUF आपकी रेजिडेंट बन जाएगी। लेकिन अगर यही सारा का सारा कंट्रोल उठाकर आप इंडिया के बाहर ले जाएंगे, तो उस केस में वो HUF आपके लिए नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। तो यहां पर आप एक चार्ट ड्रॉ करिएगा। HUF के केस में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन HUF शैल बी रेजिडेंट। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड है ये, आउटस्टैंडिंग मत समझिएगा इसे, आउटसाइड है, आउटसाइड इंडिया, देन सच HUF शैल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। इतनी सी बात है इसमें, लेकिन इसके आगे की भी कहानी है। अगर आपने इतना नोट कर लिया है, समझ गए हैं, तो सुनते रहिए मेरी कहानी को। अगर एक HUF के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, थोड़े बहुत हैं या पूरे हैं, थोड़े बहुत हैं या पूरे हैं, थोड़े बहुत हैं या पूरे हैं, तो वो इंडिया का रेजिडेंट है। अगर उसके सारे के सारे कंट्रोल बाहर चले गए हैं, सब कुछ बाहर से ही हो रहा है, तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट है। सर ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब ये कैसे डिसाइड करवाओगे कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली है या नॉन ऑर्डिनरली है, बट नॉट ऑर्डिनरली है? तो इसके लिए HUF को कोई टेस्ट नहीं देना। जब HUF अगर इस टेस्ट में पास हो गया, अगर HUF इस वाले टेस्ट में पास हो गया, तो आगे बढ़ने के लिए उसे ROR बनाना है या RNOR बनाना है, इसके लिए इस HUF को कोई टेस्ट नहीं देना। इसका टेस्ट देने की जिम्मेदारी इसके कर्ता पर होगी, इसके कर्ता पर होगी। तो अगर HUF को रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनाना है, तो HUF को पहले रेजिडेंट बना दो और फिर उसके कर्ता को पकड़ के पूछ लो, कर्ता तुम बताओ तुम क्या हो, तुम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या हो। अगर तुम ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, तो तुम्हारी HUF भी ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगी। कर्ता, अगर तुम नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, तो तुम्हारी HUF भी RNOR बन जाएगी। और कर्ता, अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो तो क्या होगा? समझिएगा मेरी बात को। HUF रेजिडेंट है, कर्ता, उसका जो कर्ता है, मालिक है उसका, वो
आर ओ आर है, तो यहां पर रिजल्ट रिजल्ट एच यू एफ क्या बन जाएगी, आर ओ आर, एच यू एफ क्या बन जाएगी, आर ओ आर। आपको मेरी बात समझ आई? आपका एच यू एफ अगर रेजिडेंट बन गया तो उसे आर ओ आर बनाने के लिए या आर एन ओ आर बनाने के लिए आप एच यू एफ को कहीं नहीं भेजोगे, एच यू एफ कहीं नहीं जाएगा, आपको कर्ता को देखना है। कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, कर्ता एच यू एफ का वो मेंबर है जिसने एच यू एफ को क्रिएट किया है। कर्ता कौन है, कर्ता एच यू एफ का वो मेंबर है, वो पहला सदस्य है जिसने एच यू एफ को क्रिएट किया है। सर अगर कर्ता कर्ता की डेथ हो जाती है, कर्ता उस एच यू एफ को छोड़ देता है तो क्या होगा, कर्ता की अगर डेथ हो जाती है तो दूसरे को कर्ता बनाया जाएगा, दूसरे को कर्ता बनाया जाएगा। तो जो उसका कर्ता होगा उस कर्ता से पूछेंगे, कर्ता तुम बताओ तुम क्या हो, तुम ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, अगर तुम ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो तुम्हारी जो एच यू एफ है उसे भी हम ऑर्डिनरली रेजिडेंट बना देंगे। कर्ता तुम नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, अगर तुम आर एन ओ आर हो तो तुम्हारी एच यू एफ को भी हम आर एन ओ आर बना देंगे। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, कर्ता है रेजिडेंट, एच यू एफ है रेजिडेंट, कर्ता भी है रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो यहां पर रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एच यू एफ क्या बन जाएगी आपके लिए, आर ओ आर। मुझे इसका जवाब दीजिएगा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा, एच यू एफ रेजिडेंट है, कर्ता रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, एच यू एफ क्या बन जाएगी उस केस में, एच यू एफ क्या बन जाएगी उस केस में, बड़ी स्पीड से आपका आंसर आ गया, यही स्पीड अब तीसरे पॉइंट पर भी देनी है आपको। ये रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट है, बताइएगा जरा, क्वेश्चन मार्क। भरत कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट, प्रीथल कह रही हैं नॉन रेजिडेंट, मयूर कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट, जतिन गुप्ता कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट, आंचल कुंडलास कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट। अरे मेरे भाइयों और बहनों, आपने इसे नॉन रेजिडेंट कैसे बना दिया, एच यू एफ तो रेजिडेंट है, आपने कर्ता के हिसाब से उसका मेन स्टेटस बदल दिया। कैसी बातें करते हो आप, कैसी बातें करते हो आप, आपको आर ओ आर या आर एन ओ आर डिसाइड करने के लिए कर्ता को के पास भेजा था कि कर्ता से पूछ के आओ कर्ता तुम क्या हो, आपने तो मेरा ही स्टेटस बिगाड़ दिया। मैं एच यू एफ हूं, मैंने अपने सारे डिसीजन इंडिया में लिए, मैंने सारा कंट्रोल इंडिया में बनाया, मैंने सेटअप इंडिया में बनाया, और आपने मेरा ही स्टेटस बदल डाला, किसके बिहाफ पर, उस कर्ता के बिहाफ पर। वो कर्ता होता कौन है मेरा स्टेटस बदलने वाला, मैं रेजिडेंट हूं, मेरे से तो रेजिडेंट के बाद की बातें करो, मेरे से तो रेजिडेंट के बाद की बातें करो, मैं आर ओ आर बनूंगा या आर एन ओ आर बनूंगा। तो जितने लोगों ने बोला, एनआर बनोगे सर आप, मतलब ये एच यू एफ एनआर बनेगा, मैं कह सकता हूं सभी आंसर गलत हैं, एनआर वाले तो सारे गलत हैं, एनआर नहीं बनोगे मेरे भाई, एनआर कैसे बन जाओगे, एच यू एफ तो आपका रेजिडेंट पहले ही डिक्लेयर हो चुका है, एच यू एफ तो आपका पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि वो रेजिडेंट है, आपने उसे कैसे नॉन रेजिडेंट बना दिया। यहां पर आंसर आएगा, यहां पर आंसर आएगा आर एन ओ आर। एंड इंटरेस्टिंगली मई 2020 एक मार्क का एमसीक्यू यही बना था, मई 2020 में एक नंबर का एमसीक्यू यही बना था।
सॉरी नवंबर 20 मई में एग्जाम जो कैंसिल हुए थे उसके बाद जब नवंबर में एग्जाम हुए आपका ये एमसीक्यू बना था। क्लियर है? आइएगा मेरे साथ। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ पेज नंबर 31। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, सो एचयूएफ विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट। एचयूएफ को रेजिडेंट मानेंगे। अब एचयूएफ वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होल्ली और पार्टली इंडिया। तो अगर आपने अपने पूरे एचयूएफ के कंट्रोल मैनेजमेंट सारे के सारे इंडिया में बैठा रखे हैं या थोड़े बहुत भी आपने इंडिया में बैठा रखे हैं तो उस केस में आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने सारे के सारे कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर बैठा दिए, सारे के सारे वहां बैठा दिए इंडिया के बाहर, तो आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इट वुड बिकम अ नॉन रेजिडेंट। तो वहां पर उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे। आर एन ओ आर ओ आर के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ इफ कर्ता इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट देन एच यू एफ इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगर कर्ता आर एन ओ आर है तो एच यू एफ भी आर एन ओ आर हो जाएगा। अगर कर्ता नॉन रेजिडेंट है तो एच यू एफ भी आर एन ओ आर ही माना जाएगा। आप एच यू एफ को एन आर मत बना देना मेरे भाईयो बहनों, फिर बोल रहा हूं। अगर कर्ता नॉन रेजिडेंट है तो एच यू एफ को नॉन रेजिडेंट मत कर आना। एच यू एफ तो पहले ही रेजिडेंट होके बैठा है, उसे थोड़ी बदल दोगे तुम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। बिजनेस ऑफ द एच यू एफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बिजनेस कहां से चलता है एच यू एफ का? ऑस्ट्रेलिया से। एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर। और जितने भी पॉलिसी हैं, डिसीजन हैं, सब वहीं पर लिए जाते हैं। कहां पर? कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। मिस्टर ई कर्ता ऑफ द एच यू एफ, जो कि एच यू एफ के कर्ता हैं, वॉज बोर्न इन कोलकाता। उनका जन्म हुआ था कैलकाटा में, कोलकाता में। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। वो 21-22 में इंडिया आए। आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद आए। He comes to India on 1st April 21 and leaves for Australia on 1/12/21. तो 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक वो इंडिया में रहे। Determine the residential status of Mr. E and the HUF. तो मुझे बताइए HUF का जब सारा का सारा डिसीजन ऑस्ट्रेलिया में चलता है तो HUF क्या बन गई है इस केस में? HUF क्या बन गई है इस केस में? फटाफट से स्पीड से आंसर आने चाहिए। एच यू एफ क्या बन गई है इस केस में? नॉन रेजिडेंट। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे केवल एच यू एफ का स्टेटस नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे मिस्टर ई जो कि कर्ता है उसका भी स्टेटस पूछा है। तो मिस्टर ई को पकड़ लो। अब मिस्टर ई आए हैं पहली बार 15 साल बाद, पहली बार 1 अप्रैल 2021 को, और वापस चले गए हैं 1 दिसंबर 2021। कितने दिन इंडिया में रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बता दो टोटल कितना आएगा? डेज। 245 दिन पर उसे क्या बना दोगे आप? क्या बना दोगे? रेजिडेंट बनाओगे या नहीं बनाओगे? रेजिडेंट बनाओगे या नहीं बनाओगे? रेजिडेंट। अब मुझे एक सिचुएशन और समझा दो, एक सिचुएशन और समझा दो फिर। सिचुएशन इज सर एच यू एफ है नॉन रेजिडेंट और कर्ता जो है उसका वो रेजिडेंट है, और चलो आर ओ आर मान लेता हूं, तो रिजल्ट एच यू एफ क्या बन जाएगी? रिजल्ट एच यू एफ क्या बन जाएगी? रिजल्ट एच यू एफ क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। जो साइंस पढ़, मतलब जो फॉर्मूला पर ज्यादा काम कर रहे हैं, जो फॉर्मूला से काम कर रहे हैं, वो शायद कुछ ऐसा आंसर देंगे, सर एच यू एफ बन जाएगी आर एन आर आर एन ओ आर।
वो कुछ अजीब सा आंसर यहां पर दे देंगे, तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। अगर HUF नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के बाद तो ये फर्दर कैटेगरी बनाते ही नहीं है, नॉन रेजिडेंट के बाद तो फर्दर कैटेगरी बनाते ही नहीं है, तो ऐसी गलती ना करें। क्लियर है हम यहां तक? देखिएगा नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 मिस्टर ई हैज स्टे इन इंडिया टू फॉर 245 डेज, दैट इज दिस 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 एंड दिस, देयरफॉर ही इज अ रेजिडेंट। हाउएवर सिंस ही हैज कम टू इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स, ही डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्योंकि वो 15 साल बाद आए हैं, अब खुद सोचे जब 15 साल बाद आया है तो वो पिछले 15 सालों में कभी भी रेजिडेंट तो नहीं रहा होगा, और हमें ओआर बनाने के लिए पहली कंडीशन ही क्या पूछी जाती है कि 10 सालों में क्या तुम दो बार रेजिडेंट रहे हो। अब जब ये आया ही बेचारा 15 साल बाद है तो पिछले 10 सालों में दो बार तो रेजिडेंट रहा ही नहीं होगा, तो यहीं पर क्वेश्चन का दम घुट गया और आपने आंसर में बोल दिया कि भाई वो रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है। देयरफॉर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई फॉर द प्रीवियस ईयर दिस इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा। सिंस द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर, इट इज अज्यूम्ड दैट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर द HUF इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसी कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है। HUF का डिसीजन अगर इंडिया में है चाहे पूरा या थोड़ा तो वो रेजिडेंट है, HUF का सारा डिसीजन इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट बनने के बाद जब OR और RNOR का टेस्ट लेने जाना है तो कर्ता के पास जाना है, कर्ता बताएगा मैं क्या हूं, कर्ता कहेगा मैं रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूं, तो उसका HUF भी रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। कर्ता बोलेगा मैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूं, तो आपका HUF भी RNOR बन जाएगा। कर्ता बोलेगा मैं नॉन रेजिडेंट हूं, तो आपका HUF भी RNOR ही कहलाएगा। क्लियर? आइए मेरे साथ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ AOP, सेम कंसेप्ट दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट। अगर आप AOP हैं, अगर आप AOP हैं, आपके डिसीजंस इंडिया में होते हैं, सारे के सारे डिसीजंस या थोड़े बहुत डिसीजंस इंडिया में होते हैं तो आप रेजिडेंट हैं। अगर आप सारे डिसीजन बाहर करते हैं, इंडिया के बाहर चले जाते हैं, मीटिंग सारी आपकी बाहर होती है, कंट्रोल बाहर से होता है, तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। लिखिएगा मेरे साथ, AOP, BOI, रेजिडेंट, ये रेजिडेंट होगी, ये नॉन रेजिडेंट होगी। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर सिचुएटेड इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट कब होगी? इफ कंट्रोल्स एंड मैनेजमेंट आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इतनी सी तो बात है। देखिए, रेजिडेंट कब हो जाओगे? जब फर्म AOP वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया एंड द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। तो या तो पूरे के पूरे डिसीजन इंडिया में ले लो या थोड़े बहुत भी ले लो। नॉन रेजिडेंट कब हो?
जब आपने सारे के सारे डिसीजन इंडिया के बाहर ले लिए, होली आउटसाइड इंडिया, पूरी तरह से आप इंडिया के बाहर चले गए हैं, तो आप नॉन रेजिडेंट है। कंपनी अगर कंपनी का स्टेटस चेक करना है तो क्या करोगे? कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इन द प्रीवियस ईयर इट इज अ इंडियन कंपनी या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब आप इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुए हैं, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है और आप इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं, आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोयम, अब ये पोयम क्या है? ये बचपन वाली पोयम नहीं है, इट इज अ पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इस पर पीएचडी करेंगे आप सीए फाइनल में, पोयम के बारे में डिटेल में आपको सीए फाइनल में पढ़ना है। आपका इंस्टीट्यूट भी कहता है पोयम के बारे में हम आपको फाइनल में पढ़ाएंगे। अभी आपको समझना है कि अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप इंडिया के रेजिडेंट हैं। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ मीनिंग ऑफ अ प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड द कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरीली फॉर द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर सबस्टांस मेड। तो जहां पर आपका ये डिसीजन वगैरह का काम होता है, मीटिंग्स होती है, फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, वो प्लेस आपका पोयम है। नॉन रेजिडेंट कब हो जाओगे? अगर आपने ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है तो आप नॉन रेजिडेंट है। इसका क्या मतलब है? आपका ना तो ऑफिस है इंडिया में, ना आपका पोयम है इंडिया में। अगर आप इंडिया में बने नहीं है, इंडिया में आपका ऑफिस नहीं है, इंडिया में आपका पोयम नहीं है, इंडिया में आपके डिसीजंस नहीं है, तो आप क्या है? नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी, सेम वही बात, रेजिडेंट हो जाओगे अगर आपने सारे के सारे डिसीजन या थोड़े बहुत डिसीजन इंडिया में ले लिए हैं। आप रेजिडेंट हो जाएंगे अगर आपने सारे डिसीजन इंडिया में ले लिए हैं या थोड़े बहुत डिसीजन इंडिया में ले लिए हैं। आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे अगर आपने सारे के सारे डिसीजन इंडिया के बाहर जाके ले लिए। नॉन रेजिडेंट अगर आपके सारे डिसीजन इंडिया के बाहर हैं। बताइए, डाउट है यहां तक किसी को? क्या ये मुश्किल लग रहा है आपको? चलिए आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर। मैंने आपको पिछली क्लास में यह बताया था, वापस से मैं अपने चार्ट पर आ गया हूं। आरओआर के केस में इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल है, आरएनओआर के केस में सेम है। आरओआर के केस में अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया टैक्सेबल है, सेम। आउटसाइड इंडिया होगी तो आरओआर उस पर टैक्स देगा, लेकिन आरएनओआर टैक्स नहीं देगा। लेकिन वो कब देगा? जब वो ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन से कमाई गई है विच इज कंट्रोल्ड और सेटअप फ्रॉम इंडिया। और एनआर तो भाई जो है हमारा एनआर वाला भाई, उसके लिए तो ये बात ही एप्लीकेबल नहीं होती। एनआर वाले भाई के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं होती। यस और नो? इस चार्ट में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन शुरू होंगे इसी चार्ट पर बेस्ड। अब मेरे जितने क्वेश्चंस रह गए हैं इस चैप्टर में, वो सब इसी पर बेस्ड है। अगर ये सभी को क्लियर है तो आइए आज हम करते हैं शानदार प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे ये बताइएगा, बहुत ही अच्छा एनालिसिस अब हम करने जा रहे हैं। एक रेजिडेंट है कौन? विराट कोहली। ये भाई क्या है? रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ये भाई क्या है? रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मुझे ये बताइए, ये एक दिन पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, इसने एक मैच खेला और मैच में इसे 5 करोड़ रुपए की फीस मिली। ये 5 करोड़ रुपए इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है? क्या ये इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है? यस और नो? यस। आपको क्या लगता है,
आपको क्या लगता है कि ये 5 करोड़ रुपए पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा होगा या नहीं मांगा होगा? या विराट कोहली ने ये कह दिया होगा, तू जानता नहीं है मैं मोदी जी के देश से आया हूं, अगर मेरे से टैक्स मांगोगे तो मोदी जी तुम्हें खत्म कर देंगे, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई होगी? इसका मतलब विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंडिया आ रहा होगा तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट किसी की भी गर्दन पकड़ लेती है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी तो विराट कोहली की गर्दन पकड़ी होगी, कहां जा रहे हो 5 करोड़ हमारे देश से लेके, टैक्स तो देते जाओ। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर क्या पता वहां पर ऐसा कानून ना हो? मैं ये भी तो कह सकता हूं, क्या पता वहां पर भी हमारे जैसा ही कानून हो, भाई वो भी तो इंसान है, उनके यहां भी तो टैक्स चलता है। तो जब विराट कोहली इंडिया आ रहा होगा तो विराट कोहली से भी तो टैक्स मांग लिया गया होगा ऑस्ट्रेलिया में। अब सपोज करो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में टैक्स दे के आ गया, भाई उसे तो इंडिया आना था, वरना उसे वहां पे पकड़ के बैठा लेते। अब घर परिवार तो उसका यहीं पर है, वो इंडिया आ गया, अपना जैसे तैसे टैक्स पे कर करा के बचे हुए पैसे इंडिया ले आया। जैसे ही वो इंडिया में बचे हुए पैसे लाया, इंडिया में फिर उसे पकड़ लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट कहती है टैक्स दे दो। अब विराट कोहली सोच रहा है, यार मैं ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स दे आया हूं, अब तुम भी मेरे से टैक्स मांग रहे हो। अच्छा मजे की बात, इंडिया क्या बचे हुए पैसे पर टैक्स मांगेगी या पूरे 5 करोड़ पर मांगेगी? क्या इंडिया बचे हुए पैसे पर टैक्स मांगेगी, जितना टैक्स वो वहां पे करके आ चुका है तो बचने के बाद जो पैसा बचा है उस पर टैक्स मांगेगी या पूरे 5 पर मांगेगी? बताते रहे ना साथ के साथ, आपका पार्टिसिपेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है अब डिस्कशन में। क्या इंडिया पूरे 5 करोड़ पर टैक्स मांगेगी या बचे हुए अमाउंट पर टैक्स मांगेगी? नहीं मयूर, बचे हुए पर नहीं मांगेगी। इंडिया कहती है तुम वहां जो दे आए हो वो उनकी बात है, आप हमसे बात करो, तुम्हें कितनी फीस मिली थी? 5 करोड़। हम तो 5 करोड़ पर तुमसे टैक्स मांग रहे हैं। लेकिन अब देखो विराट कोहली के साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा? एक ही इनकम पर उसे 2 अलग अलग देशों में टैक्स देना पड़ रहा है। एक टैक्स दे के आया है वो ऑस्ट्रेलिया को और एक टैक्स देना पड़ रहा है उसे इंडिया को। बताओ दिक्कत है विराट कोहली के साथ या नहीं है? क्या ये विराट कोहली के साथ सही हो रहा है? बोलो हाँ या ना, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या सॉल्यूशन करोगे इसका अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो गई? मयूर कह रहे हैं सर इंडिया में टैक्स माफ कर देंगे जितना ऑस्ट्रेलिया में टैक्स भर दिया गया है। ठीक है, आपका कुछ हद तक ठीक है आंसर मयूर, मैं बताता हूं क्या होगा इसका सॉल्यूशन है। अच्छा पहले तो ये समझो प्रॉब्लम क्या है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन। एक ही इनकम पर आपको दोनों देशों में टैक्स देना पड़ रहा है। और आज ऐसा नहीं है, इकोनॉमी ऐसी है कि आप ग्लोबल हो गए हैं। आप केवल अपने देश में रह के पैसे नहीं कमाते, आप दूसरे देशों में जाके पैसे कमाते हैं। तो ऐसे में हमारी इंडिया की सरकार और बाकी देशों की सरकारों ने मिलकर एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। ये आपके सीए फाइनल का कोर्स है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। उसमें दो देश मिलकर ये समझौता करते हैं, सुनो इंडिया सुनो ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम्हारा बंदा मेरे देश में टैक्स दे जाएगा तो तुम अपने देश में उसे उतने अमाउंट का क्रेडिट दे देना। अगर मेरा बंदा तुम्हारे देश में टैक्स दे आएगा तो मैं अपने देश में उतने अमाउंट का उसको क्रेडिट दे दूंगी। दोनों सरकारों ने मिलकर आपस में ये टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बनाया, ट्रीटी बनाई कि अगर तुम्हारा बंदा मेरे देश में टैक्स दे आएगा तो तुम उसे क्रेडिट दे देना, और अगर तुम्हारा बंदा मेरे देश में टैक्स दे आएगा तो मैं अगर मेरा बंदा तुम्हारे देश में टैक्स दे आएगा तो मैं उसको क्रेडिट ऑफर कर दूंगी। तो उससे विराट कोहली की सांस में सांस आई और उस बेचारे ने सांस ली कि ठीक है, अब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में टैक्स दे आया हूं तो इंडिया में मुझे उतने टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर उसका टैक्स 1 करोड़ बनता है और ऑस्ट्रेलिया में वो 80 लाख रुपए का टैक्स दे आया है तो इंडिया में उससे केवल 20 लाख रुपए का टैक्स मांगा जाएगा।
अगर इंडिया में उसका 1 करोड़ का टैक्स बनता है, ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ दे आया है तो कोई टैक्स नहीं मांगेंगे। अगर इंडिया में 1 करोड़ का टैक्स बनता है, ऑस्ट्रेलिया में वो 120 लाख रुपए का टैक्स दे आया है, मतलब 1.2 करोड़ का टैक्स दे आया है, तो हम उसे 20 करोड़ वापस भी कर देंगे। क्लियर? सॉरी, 20 लाख रुपए वापस भी कर देंगे। तो ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम बना दिया है। आज बहुत सारे देशों के साथ हमारे इंडिया की ट्रीटी है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं लगता अगर वो किसी दूसरे देश से इनकम कमा के इंडिया में आ रहा होता है या इंडिया से इनकम कमा के अपने देश में जा रहा होता है। तो डबल टैक्सेशन की सिचुएशन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं जीरो सी हो गई है। क्लियर है? तो ये चीज आप कहां पढ़ेंगे? सीए फाइनल में आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। बट सर, लॉस सिचुएशन में तो इंडिया लॉस है। नहीं दोस्त, इंडिया का लॉस नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हैं जनरली जब आपका टैक्स काटा जाता है, अगर आप नॉन रेजिडेंट होते हैं, तो वो रेट जो होता है आपके ऊपर वो भी इसी तरह से लगाया जाता है कि आपको आपकी कंट्री से कम टैक्स देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ये भी आपने सीए फाइनल की एक चीज पूछी है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर आ गया हमारे देश में और हम उसका टैक्स काटने जा रहे हैं, तो हम उसका जो टैक्स रेट लेंगे ना, वो हमेशा लगभग लगभग मान के चलिए उस रेट से कम होगा जो उसकी होम कंट्री का टैक्स रेट है, ताकि उसका टैक्स यहां कम कटे और अपने देश में उसकी लाइबिलिटी ज्यादा बने, तो उस देश को नुकसान नहीं होता। तो ये जो रेट सेट किए जाते हैं, ये ट्रीटी बनाते समय ही सेट किए जाते हैं, इसी बेसिस पर सेट किए जाते हैं कि आपको एक दूसरे को किसी को दिक्कत नहीं आएगी, किसी कंट्री को नुकसान नहीं होने देंगे। यस मयूर, ना लास्ट वाली सिचुएशन ना के बराबर ही है, बिल्कुल। मैं ना के बराबर भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नहीं ही है, यही नहीं। हाँ, उस कंट्री के साथ ये समस्या आ सकती है जिस कंट्री के साथ आपने डीटीए नहीं बना रखा, लेकिन आज की डेट में मैं बता दूं, मैक्सिमम कंट्रीज के साथ, जो अच्छी कंट्रीज है जहां पर आप अक्सर पैसे कमाने जाते हैं, वहां आपकी ट्रीटी है। अब आप ऐसी कंट्री जाएं जहां पर खुद ही बेचारों के यहां गरीबी है, डेवलपमेंट है ही नहीं, खुद ही बेचारों के यहां इतनी मोटी मोटी गड्डी लेके जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, क्योंकि वहां पर पैसे की वैल्यू ही नहीं है, इतने सारे पैसे लेके जाओगे तब इतनी सी सब्जी मिलेगी, तो वहां पर तो ट्रीटी ऑब्वियसली नहीं होगी। बट ताइवान, यस ताइवान के साथ कोई ट्रीटी नहीं है। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई। आइए मेरे साथ इस पॉइंट को पढ़ लीजिए। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन केस ऑफ अ रेजिडेंट इन इंडिया, बट वेयर एन एसएससी हैज पेड टैक्स इन द फॉरेन कंट्री ऑन द इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ही शैल गेट अ रिलीफ ऑफ द टैक्स पेड बाय हिम इन द फॉरेन कंट्री व्हाइल कंप्यूटिंग हिज टैक्स पेबल ऑन सच इनकम इन इंडिया। दिस इज नोन एज डबल टैक्सेशन रिलीफ। क्या कहा लॉ ने? लॉ ने सिंपल एक बात बोली, अगर कोई बंदा है इंडिया का रेजिडेंट है, फॉरेन में टैक्स दे आया है, तो जितना वो फॉरेन में टैक्स दे के आया है उस इनकम पर, तो उस क्रेडिट, उस टैक्स का जो वो फॉरेन में दे के आ गया, उसका हम उसे क्रेडिट दे देंगे। और कहां देंगे वो क्रेडिट? इंडिया में देंगे, उसी इनकम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। एक और छोटी सी सिचुएशन को समझिएगा। मेरी कोई इनकम ड्यू बेसिस पर इंक्लूड कर दी गई है मेरी इनकम के अंदर। कोई इनकम, लेट अस से एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, आपको जल्दी स्ट्राइक होगी ये बात। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आपकी फीस मैंने मान लीजिए ड्यू कर दी, बट आपने वो फीस मुझे पे नहीं करी, तो क्या ये जो ड्यू फीस जो मुझे मिली नहीं है लेकिन आज केवल ड्यू हो गई है, तो क्या ये ड्यू फीस मेरी इनकम है, या जब ये मुझे मिलेगी तभी इनकम मानी जाएगी? वेदर द ड्यू अमाउंट इज ए इनकम और नॉट, या ये जब मिलेगा केवल तभी इनकम बनेगा? बताइएगा फटाफट से, क्या अमाउंट ड्यू होने पर इनकम बन जाएगा या रिसीव होने पर ही इनकम बनेगा?
जवाब नहीं आए आपके। बिल्कुल सही मयूर, कैश बेसिस है, अक्रूअल, अक्रूअल बेसिस है, अक्रूअल बेसिस है। अब बताइए अक्रूअल बेसिस है, अक्रूअल बेसिस चल रहा है, इनकम ड्यू होने पर इनकम है या रिसीव होने पर इनकम है? अक्रूअल बेसिस, इनकम ड्यू होने पर इनकम है या रिसीव होने पर इनकम है? मयूर, अक्रूअल बेसिस में ड्यू होने पर इनकम है, अक्रूअल बेसिस पर ड्यू होने पर इनकम है। अब सर अक्रूअल बेसिस चल रहा था, आपने ड्यू होने पर उसे इनकम बना दिया, आपने ड्यू होने पर उसे इनकम बना दिया। अब जब बाद में वो आपको रिसीव होगा, जब बाद में आपको रिसीव होगा, जब बाद में आपको रिसीव होगा तो क्या वो दोबारा इनकम बन जाएगी? जब बाद में आपको रिसीव होगा तो क्या वो दोबारा इनकम बन जाएगी? यस और नो? नो। जितने लोगों को कंफ्यूजन है, अकाउंटिंग एक बार कर लीजिए। अकाउंटिंग आप क्या करते हैं, सेल करते वक्त डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपकी इनकम होती है। जब वो कस्टमर आपको पैसे देता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। मुझे बताइए क्या इसमें से कोई एक आइटम आपका इनकम है? क्या बैंक आपकी इनकम है? नो। क्या डेटर आपकी इनकम है? नो। इनकम तो केवल एक ही बार होती है दोस्त, इनकम तो केवल एक ही बार होती है, कब? ड्यू बेसिस पर। अगर आप अक्रूअल मेथड फॉलो करते हैं, अगर आप अक्रूअल मेथड फॉलो करते हैं तो ड्यू बेसिस पर आपकी इनकम बनती है। लेकिन जब वही ड्यू अमाउंट, जब वही ड्यू अमाउंट आपको मिलता है, जब वही ड्यू अमाउंट आपको मिलता है तो वो आपकी इनकम नहीं होती, जब वही ड्यू अमाउंट आपको मिलता है तो वो आपकी इनकम नहीं होती। क्यों नहीं होती? सर एक आइटम को एक ही बार तो इनकम बनाओगे, दो बार थोड़ी बना दोगे। मैं कहता हूं आप कहीं मत जाओ, आप अकाउंटिंग एंट्री करके देख लो, आपको आपका लॉजिक ही क्लियर हो जाएगा। जब आप सेल करते हो तो इनकम एक ही बार तो क्रेडिट करते हो सेल्स के नाम पर, बार बार थोड़ी करते हो, फिर तो आप बस पैसा रिसीव करते हो डेटर से। तो इनकम तो एक ही बार होती है ऑन ड्यू बेसिस अक्रूअल मेथड में, अक्रूअल मेथड में। बाद में जब आपको पैसा मिलता है वो तो केवल एक रिसीप्ट है, वो तो केवल एक मिलना है। सो अगर कोई इनकम, अगर कोई इनकम, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, अगर कोई इनकम आपकी इंक्लूड कर दी गई है ऑन अ ड्यू बेसिस तो वो दोबारा, तो वो दोबारा आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब वो आपको एक्चुअली में मिलेगा। अगर कोई इनकम, अगर कोई आइटम आपकी इनकम में जोड़ दिया गया है ऑन अ ड्यू बेसिस देन इट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर अगेन ऑन अ रिसीव, जब वो एक्चुअल में रिसीव होगा तो आपकी इनकम नहीं बनेगा। पढ़िएगा मेरे साथ इस लाइन को, द इनकम विच हैज इन एनी प्रिसीडिंग ईयर बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। तो अगर कोई आइटम, अगर कोई इनकम आपकी टोटल इनकम में जोड़ दी गई है ऑन अक्रूअल बेसिस शेल नॉट अगेन बी इंक्लूडेड ऑन रिसीव्ड बाय हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका क्या मतलब है कहने का, मैं विदेश गया, विदेश में मैंने कोई इनकम ड्यू कर ली, मैं रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूं, मुझे उस ड्यू पर टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? देना होगा, मुझे उस इनकम पर टैक्स देना होगा क्योंकि मैं ROR हूं। 5 साल बाद मैं उसी पैसे को इंडिया में उठा के ले आया, तो क्या जब 5 साल बाद मैं उस पैसे को इंडिया में लेके आऊंगा क्या मुझे दोबारा टैक्स देना होगा? ये मानते हुए कि ये इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, इनकम इंडिया में रिसीव हो गई तो इस पर दोबारा टैक्स दे दो, द आंसर इज नो, बिकॉज वो इनकम तो आपकी पहले ही ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो चुकी है। क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे? क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे? अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्या आपको ये बात ध्यान रहेगी, यस और नो? चलिए देखते हैं, जितने लोग कह रहे हैं हां ध्यान रखेंगे, मैं आपको फंसाने की पूरी कोशिश करूंगा क्वेश्चन में, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा फंसाने की। चलिए थर्ड पॉइंट देखिएगा,
एनी इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम इफ इट इज टैक्सेबल. बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं, कोई भी इनकम आपकी इनकम में तब जोड़ी जाएगी जब वो टैक्सेबल होगी एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड शैल बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट एग्जेम्प्ट इनकम शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम. तो कोई इनकम आपकी इनकम में तभी जोड़ेंगे जब उस पर इनकम टैक्स लगता होगा. अगर किसी इनकम पर इनकम टैक्स लगता ही नहीं है तो वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा. ये तो पहले ही से बता रखी है आपको बात कि एग्जेम्प्ट इनकम आपकी इनकम नहीं होती, टैक्सेबल इनकम ही आपकी इनकम होती है. आगे बढ़िए, बहुत अच्छा पॉइंट और बता रहा हूं आपको. फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन प्लीज मार्क दिस पॉइंट एज इम्पॉर्टेंट. ये आपका क्वेश्चन में अक्सर गलत हो जाएगा लेकिन अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे. सो फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द फर्स्ट रिसीट. इफ एन अमाउंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड देन सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया इट शैल बी अ रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. तो उसे क्या माना जाएगा कि वो पैसा आपने बाहर रिसीव किया. मेयरली बिकॉज इट हैज बीन रेमिटेड टू इंडिया वुड नॉट मेक एन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, क्या कहना चाहते हैं. अगर कोई इनकम आपको बाहर मिली है, तो माना जाएगा कि वो बाहर मिली है. अगर उस बाहर मिलने के बाद, अगर उस इनकम को बाहर मिलने के बाद आप उसे इंडिया लाते हैं तो इनकम आपको बाहर ही मिली है. मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर कोई इनकम आपको बाहर मिली है, इंडिया के बाहर मिली है, पहली बार बाहर मिली है, उस इनकम को पहली बार आपने बाहर रिसीव किया तो माना जाएगा वो बाहर मिली है. और बाद में अगर आप उस इनकम को इंडिया ले आते हैं पकड़ के, बाद में आप उस इनकम को इंडिया ले आते हैं अपने बैग में रख के, बाद में आप उस इनकम को अपनी जेब में रख के इंडिया ले आते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा कि आपको इंडिया में मिली है. क्या माना जाएगा कि वो आपको बाहर मिली है. सो व्हाट इज रेलिवेंट फर्स्ट रिसीप्ट इज द रेलिवेंट. प्लीज हाईलाइट द वर्ड फर्स्ट रिसीप्ट. कोई भी इनकम पहली रिसीप्ट पर इनकम है. पहली रिसीप्ट का मतलब जब वो पहली बार आपके हाथ में आई है वो तब इनकम है. उसके बाद आप उसके साथ क्या करते हैं, उसके बाद आप उस पैसे से कहां जाते हैं, उसके बाद आप उस पैसे को कहां ले जाते हैं, दैट इज इररेलेवेंट. व्हाट इज रेलिवेंट, द रेलिवेंस इज फर्स्ट रिसीप्ट. पहली बार जब आपको पैसा मिला वो आपकी इनकम है. उसके बाद आप उस पैसे को यहां लाए, वहां लाए, कहीं भी लाए, कुछ भी करें, दैट इज इररेलेवेंट. एग्जाम्पल लेता हूं इस बात का. कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो फॉरेन कंपनीज के बीच में. मीडिएटर ने अमाउंट ऑस्ट्रेलिया में बैठ के रिसीव किया उसका कमीशन का. दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवाया, मीडिएटर मैं था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अमाउंट रिसीव किया. अगर सपोज करो मैं रेजिडेंट हूं तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज रेजिडेंट को दुनिया की इनकम पर टैक्स देना है. लेकिन अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो मैं इस इनकम पर टैक्स नहीं दूंगा बिकॉज ये इनकम मैंने ड्यू करी है ऑस्ट्रेलिया में और रिसीव भी करी है ऑस्ट्रेलिया में. अब इस पैसे को उठा के मैं इंडिया ले आया, तो जब मैं इंडिया लेके आऊंगा तो क्या इंडिया मुझसे टैक्स मांगेगी ये कहते हुए कि ये पैसा आप इंडिया में ले आए हैं, लाइए टैक्स दीजिए इस पर. द आंसर इज नो, इंडिया मुझसे टैक्स नहीं मांगेगी बिकॉज ये इनकम तो मेरी फर्स्ट रिसीव्ड बेसिस पे कहां पर ड्यू हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया में, और मैं नॉन रेजिडेंट ठहरा. तो नॉन रेजिडेंट के केस में विदेशी इनकम पर हाथ नहीं लगाया जाता. बोलिए समझ आ गई है आपको ये बात. यस, इनकम इज टैक्सेबल वेदर इट इज रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड. ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं. आपको पैसा मिला, गाड़ी, बंगला, हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, सोने की चैन मिली, डब्बे मिले, सब टैक्सेबल है. एक लास्ट पॉइंट और पढ़िएगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस में गलतियां आपसे होंगी, अगर आप इस पॉइंट को पढ़ लेंगे तो वो गलतियां आपकी नहीं होंगी. बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये.
लॉ ये कहता है अगर कोई इनकम हम टैक्स करने जा रहे हैं, मेरी बात को बस एक 5 मिनट और मांगूंगा आपसे फोकस वाले, फिर तो क्वेश्चन है, 5 मिनट फोकस के दे दो मेरे को। अगर आपकी कोई इनकम है उस प्रीवियस ईयर की, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, अगर वो उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो गई तो अच्छी बात है, अगर वो उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं हुई तो उस इनकम को हम अगले साल टैक्सेबल नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन माय वर्ड्स, लॉ सेज अगर कोई इनकम उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो गई तो अच्छी बात है, अगर वो रह गई तो हम उसे अगले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? अगर कोई पिछले सालों की इनकम, अगर कोई पिछले सालों की इनकम अनटैक्स्ड है, अनटैक्स्ड मतलब जिस पर टैक्स नहीं लग पाया, अनटैक्स्ड, तो उस इनकम को आपकी इनकम में दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो जिस साल की थी उस साल आपकी इनकम में से जोड़ने से रह गई थी, तो उसे हम आपकी इस साल की इनकम में नहीं 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 जोड़ेंगे। अगर कोई इनकम आपकी किसी पिछले ईयर में जुड़ने से रह गई थी, अगर आपकी कोई पिछली इनकम किसी पिछले साल जुड़ने से रह गई थी, तो उसे आपकी इस साल की इनकम में जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ ये कहता है जो जिस साल की इनकम है वो उसी साल टैक्सेबल होगी, जो जिस साल की इनकम है वो उसी साल टैक्सेबल होगी। यहां लिखिएगा इस बात को, हिंदी में लिखिएगा, जो जिस ईयर की इनकम है वो उसी ईयर टैक्सेबल होगी, अगर रह गई तो रह गई, अगर रह गई तो रह गई, फिर से सुनिए, अगर रह गई तो रह गई। बताइए इस पॉइंट में किसी को डाउट है? इस पॉइंट में यहां तक किसी को डाउट है? कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका यहां बनता है? सो गए हैं सारे बच्चे, कोई जवाब नहीं दे रहा। नहीं भरत, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला पॉइंट नहीं है, ये तो पॉइंट है कि अगर कोई इनकम किसी साल की थी और उस साल हम गलती से आपको टैक्स करना भूल गए, छोड़ गए, गलती से रह गए आप, या आप किसी भी वजह से रह गए, तो जब अगला साल आएगा या अगले साल आएंगे तो हम उस इनकम को अगले साल में इंक्लूड नहीं कर सकते, जो जिस साल की इनकम है वो उसी साल की इनकम रहेगी। अगर आपकी इनकम टैक्स होने से रह गई, अगर आपकी इनकम टैक्स होने से रह गई तो रह गई, फिर वो हमेशा के लिए रह गई, फिर कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट रिसीट वाला रिपीट करूं, ओके सुनिए, फर्स्ट रिसीट क्या कहती है? कोई भी अमाउंट आपको जब पहली बार मिलता है, इनकम आपको मिलती है पहली बार, उसका जब जनरेशन होता है तो वो आपकी इनकम है। जब वो आपको अमाउंट मिल गया, वो इनकम आपकी बन गई, तो उसके बाद आप उस अमाउंट से कुछ भी करते रहें, वी डोंट केयर, हम उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं विदेश गया, विदेश में मुझे कोई इनकम हुई, तो मेरी वो इनकम विदेश की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि पहली बार वो मुझे विदेश में हुई थी। अब उस पैसे को मैं अपने देश में लाऊं, मैं अपने देश में ना लाऊं, मैं कुछ भी करूं, मेरे लिए कोई फिकर वाली बात नहीं है, मुझे उस पर इनकम टैक्स नहीं देना, मुझे तो इनकम टैक्स देखना है फर्स्ट प्रिसीप पर। वो इनकम आपको पहली बार कब आई थी, वो इनकम आपको पहले कहां आई थी, वो इनकम आपको पहली बार कब हुई थी, वो आपके लिए मैटर करता है। हां जी स्टूडेंट्स, फिर से पूछ रहा हूं, कहां गए सब लोग? दिख तो यहां पर बहुत सारे लोग रहे हैं, बट रिप्लाई किसी के नहीं आ रहे। आपको इन पॉइंट्स में कहीं कोई डाउट है? यस और नो?
नहीं है, तो बता दिया करो भाई, मुझे लगता है हो, पता चलता है कहीं क्लास चला के आईपीएल चल रहा हो या बिग बॉस चल रहा हो या कोई और सीरियल ही चल रहा हो, ऐसा मत करो। आइए, द इनकम इज टू बी टैक्स इन अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर इज द इनकम विच इज अर्नड एंड विच अराइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। Therefore, if an income which was earned during the earlier any earlier year but could not tax in India, अगर कोई इनकम आपने पहले के ईयर में कमाई थी, पिछले वर्षों में कमाई थी, लेकिन आप उस पर टैक्स नहीं कर पाए, इंडिया में टैक्स नहीं लगा पाए ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ द फैक्ट असेसी वॉज अ नॉन रेजिडेंट इन दैट ईयर, विल नॉट बिकम टैक्सेबल मेयरली because it has been remitted to India during the previous year. For example, Mr. X earned income of ₹2,50,000 during the previous year 2021 outside India and kept it outside India during that year but remitted this amount in India during the previous year 21-22 shall not be taxed as an income during the previous year 21-22. Example के लिए समझते हैं एक बार इसको। मैंने प्रीवियस ईयर 2021 में लंदन के अंदर एक हाउस बेच दिया, वहां पर मेरे को इनकम हो गई 2,00,000 रुपए की। आई एम अ नॉन रेजिडेंट, लंदन के अंदर मेरा मकान था, मैंने उसे लंदन के ही एक ग्राहक को बेच दिया, 2,00,000 रुपए की मुझे इनकम हो गई। बताइए इंडिया इस पर टैक्स मांगेगी या नहीं मांगेगी, यस और नो? क्या इंडिया इस पर टैक्स मांगेगी? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब यही 2,00,000 रुपए मैंने प्रीवियस ईयर 21-22 में अपने इंडिया के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए मैंने, यही 2,00,000 रुपए मैंने इंडिया में ट्रांसफर मार दिए। कब? प्रीवियस ईयर 21-22 में। सरकार आ गई, ये सरकार असेसिंग ऑफिसर आके कहता है कि ये 2,00,000 रुपए की इनकम है आपकी क्योंकि आपने इंडिया में ट्रांसफर किया है, मुझे इस पे टैक्स चाहिए। बताइए असेसिंग ऑफिसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? क्या असेसिंग ऑफिसर इस इनकम पर टैक्स मांग सकता है या नहीं मांग सकता? ये यस और नो से समझ नहीं आएगा, करेक्ट इनकरेक्ट से बताइएगा मुझे, वेदर द असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट और नॉट। क्या एओ सही कह रहा है मुझे टैक्स मिलेगा? गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि सर जो इनकम जिस साल की थी उसी साल टैक्स कर सकते हो, उस इनकम को अगले साल टैक्स नहीं कर सकते। प्रीथल सही, गलत कह रहे हो आप प्रीथल। मैंने क्या बताया, अगर कोई इनकम जिस साल की इनकम है उसी साल आपको टैक्स देना है, अगर वो इनकम रह गई टैक्स होने से किसी भी वजह से रह गई तो आप अगले साल उस इनकम पर टैक्स नहीं देंगे। अब क्योंकि ये इनकम कौन से साल की थी, 2021 की थी, और 2021 में मैं नॉन रेजिडेंट अपने देश की इनकम पर टैक्स नहीं देता इंडिया में, तो इंडिया उस समय तो टैक्स मांग नहीं पाई क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट था। अगले साल उसी नॉन रेजिडेंट ने इस इनकम को इंडिया भेज दिया, केवल ट्रांसफर कर दिया बैंक में। अब इंडिया पहुंच गई टैक्स मांगने, लाओ जी टैक्स दे दो। ये आदमी क्या कहेगा, नॉन रेजिडेंट क्या कहेगा, भाई साहब ये मेरी इनकम पहली बात तो समझ लो आपके देश की है ही नहीं, और दूसरी बात ये इस साल की नहीं है, ये तो मैंने पिछले साल कमाई थी, पिछले साल क्यों नहीं मांगा आपने मेरे से टैक्स, मांग लेते, क्यों नहीं मांगा था आपने पिछले साल, आ जाते। और जब सरकार अगर चली भी जाती पिछले साल तो ये क्या कह देता, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं, मैं क्यों दूं आपको टैक्स, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं। क्लियर? तो अगर कोई इनकम किसी एक साल में टैक्स नहीं हो पाई है, ध्यान रखिए उस इनकम को अगले साल में आप टैक्स कर भी नहीं पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे उसे। चल सकते हैं आगे बताइए।
कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं है, आइएगा अब अपने कमर की पेटियां बांध लीजिए, हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा मेरे साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 2022, कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ ही इज रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। आपको क्या करना है, इनकम कंप्यूट करनी है। अगर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली है ROR है, अगर वो RNOR है और अगर वो NR है, इन तीनों ही केस में आपको इनकम बतानी है। नेक्स्ट पेज। फर्स्ट इनकम इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। आइए पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है? 4। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। हां जी, ROR, RNOR, NR। पॉइंट नंबर ए क्या कहता है पढ़िएगा साथ साथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी 15,000 रुपए। आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं और अमाउंट आपने जर्मनी में रिसीव किया है। मेरा सवाल आपके साथ, ROR के केस में ये अमाउंट टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? गाइस फटाफट से, अब स्पीड आपकी बढ़ जानी चाहिए। अब एक पॉइंट मैं बोलूं, इसके साथ आपके आंसर आने चाहिए। ROR के केस में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, यस और नो? क्यों होगा, क्यों होगा? अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब यस और नो का काम नहीं है। यस और नो के साथ साथ क्यों भी बताना है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये अमाउंट इंडिया में ड्यू हुआ है या ये अमाउंट इंडिया में रिसीव हुआ है, किस बेसिस पर कर रहे हो, किस बेसिस पर कर रहे हो, ड्यू या रिसीव? मतलब तीन बातें थी ना, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, इनकम अराइज और डीम टू बी अराइज, अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अक्रू बेसिस पर कर रहे हो, रिसीव बेसिस पर कर रहे हो? अक्रू बेसिस या रिसीव बेसिस? ड्यू नहीं, अक्रू। अक्रू कोई भी ड्यू वर्ड यूज नहीं करेगा, इट इज द अक्रू। अक्रू इंडिया में हुआ, ड्यू नहीं, अक्रू। ठीक है, अक्रू बेसिस पे आप ROR के केस में टैक्सेबल कर रहे हो। तो यहां पर आप लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। लो जी, 15,000 रुपए टैक्सेबल होगा किसके केस में? ROR। RNOR के केस में जवाब दे दो फटाफट से। RNOR के केस में क्या होगा? RNOR, यस और नो, टैक्सेबल और नॉट, टैक्सेबल और नॉट, यस और नो? किस बेसिस पे, किस बेसिस पे? अक्रू। क्या RNOR के केस में भी अक्रू टैक्सेबल है इंडिया का? क्या RNOR के केस में भी अक्रू इंडिया में टैक्सेबल है? यस। मैं आपसे पूछता हूं, ये इंडिया में कैसे अक्रू हुआ है? कौन कहेगा, बताएगा मुझे, ये इंडिया में कैसे माना जाएगा अक्रू है? कैसे माना आपने ये इंडिया में अक्रू हुआ है? पैसा तो जर्मनी में मिला है। एग्जैक्टली। नहीं, कंट्रोल कहां है, कंट्रोल कहां है? कंट्रोल है ही नहीं कहीं, कंट्रोल नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी। देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेल ऑफ इंडियन कंपनी के शेयर्स, पैसा जर्मनी में मिला है। आप कैसे मान रहे हैं इंडिया में अक्रू हुआ है? किस बेसिस पे आप ये मान रहे हैं कि इंडिया में अक्रू हो गया? एग्जैक्टली प्रीथल, करेक्ट, इंडियन कंपनी। अरे भाई, इंडिया की कंपनी के शेयर्स हैं, ड्यू कहां होगा? इंडिया में ही तो होगा। बिल्कुल ठीक आपका आंसर प्रीथल,
इंडियन कंपनी मयूर, बिल्कुल ठीक है आपका भी। इंडियन कंपनी यहां पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके बेसिस पे आप ये कह पा रहे हैं कि सर ये पैसा तो इंडिया में ड्यू होता हुआ दिख रहा है मुझे, इसके अंदर से तो इंडिया की महक आ रही है। आइए, तो 15,000 रुपए इसके हाथ में भी टैक्सेबल कर देंगे। एनआर के केस में करेंगे या नहीं? नॉन रेजिडेंट बताइए, नॉन रेजिडेंट, विदेशी, नॉन रेजिडेंट, यस और नो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया करके एक बार ये पढ़ लो, और जितने लोगों ने आंसर दिया है नो, मैं नाम बता देता हूं, भरत, मयूर, काजल, प्रीथल और चचल, चचल है या चंचल है, चचल जो भी है, सबने नो बोला। क्या आप अपने आंसर अभी भी, क्या आप अपने नो वाले आंसर पर अभी भी कायम हैं? क्या आप अपने नो वाले आंसर पर अभी भी कायम हैं? अब बताइए फटाफट से, क्या ये नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? अब तो बता दो फाइनल, क्या ये नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों होगा मुझे कौन बताएगा फटाफट से? बिकॉज नॉन रेजिडेंट को भी सर उस इनकम पर तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना, जो उसने इंडिया में अक्रू और अराइज करी है। वो इनकम जो उसने इंडिया में अक्रू अराइज करी है, उस पर तो उसे भी टैक्स देना है, नॉन रेजिडेंट को भी देना है। मेरी बात को फिर से सुनिए आप, एक फॉरनर इंडियन कंपनी का शेयर बेच के चला गया, इंडियन कंपनी का शेयर बेचकर चला गया, क्या आपको नहीं लगता इंडिया उससे टैक्स मांगेगा? क्या आपको नहीं लगता इंडिया उससे टैक्स मांगेगा? अरे भाई, तुम इंडियन कंपनी का शेयर बेच गए, मतलब तुम इंडियन कंपनी की असेट पे हाथ मार के चले गए, और हम तुम्हें छोड़ दें, जाने दें? ऐसे कैसे जाने दें भाई, ऐसे कैसे जाने दें? तो 15,000 रुपए इसके केस में भी टैक्सेबल होगा, यस और नो? पॉइंट नंबर बी देखिएगा, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम जापानीज कंपनी, रिसीव्ड इन जापान, जापान की कंपनी है, जापान में ही डिविडेंड दे रही है। मैं हूं रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मैं हूं विराट कोहली, बताइए विराट कोहली को अगर विदेशी कंपनी डिविडेंड देगी तो क्या विराट कोहली इंडिया में ये कह देगा ये तो विदेशी इनकम है, मैं इस पे टैक्स नहीं दूंगा, यस और नो? बताइए, जापान की कंपनी से डिविडेंड मिला है, आरओआर के केस में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? मयूर, आपका आंसर गलत है, नहीं देना होगा, आपने बोला देना होगा, बल्कि देना होगा भाई, ऐसी बातें ना करो। आरएनओआर के केस में बताना जरा, आरएनओआर के केस में बताना जरा, आरएनओआर, हां जी, आरएनओआर, मेरा मन कर रहा है यस कहने का, कोई है मेरे साथ यस कहने वाला आरएनओआर के लिए? अरे कोई तो बोल दो एक बार मेरे साथ यस, कोई तो मेरा साथ दे दो, कोई है यस वाला? कुछ लोगों के मन में आ रहा है यस बोलने की, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए हैं कि सर ने ऐसा बोल दिया, पता नहीं गलत है सही है, कुछ पता नहीं चल रहा। आरएनओआर इस पर टैक्स नहीं देगा भाई, क्यों नहीं देगा सर, बताओ जरा हमें, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालो। सुनो, क्या ये डिविडेंड आपको इंडिया में मिला? नहीं मिला। आरएनओआर के लिए क्या लिखा था? इनकम रिसीव और ड्यू टू बी रिसीव इन इंडिया, बात खत्म। क्या ये इनकम इंडिया में ड्यू हुई? क्या ये इनकम इंडिया में ड्यू हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये कंपनी भी जापान की थी, डिविडेंड डिक्लेयर भी जापान में हुआ था, मिला भी जापान में, तो इंडिया में तो इसका कोई, इंडिया में तो इसकी कोई खबर भी नहीं पहुंची, इंडिया में तो इसकी कोई खुशबू भी नहीं आई। तो जब इंडिया में आई नहीं, तो आरएनओआर बेचारे से क्यों मांगे? सर, आरएनओआर के लिए एक कंडीशन और थी, लेकिन वो बिजनेस प्रोफेशन की थी, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो इंडिया से चलता है, तो डिविडेंड टैक्सेबल नहीं
होगा इन केस ऑफ आर एन ओ आर। सर एनआर के केस में फटाफट से गोली की तरह से आंसर आ जाए मेरे, फटाफट मेरे पास गोली की तरह से आंसर नहीं होगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपोजिटेड इन अ बैंक इन लंडन, आपको लंडन में एक प्रॉपर्टी है, लंडन में आपको किराया मिला, लंडन में ही आपने जमा करा दिया। देखो इमेजिन करो आपकी एक प्रॉपर्टी, आप हैं रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, आपकी एक संपत्ति है लंदन में, आपने वहां किराएदार रखा, किराएदार ने किराया दिया, किराया लेके आपने वहीं पर बैंक में जमा करा दिया, और जब बैंक में जमा करा दिया तो बाद में आप उसे इंडिया ले आए, बाद में लाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या पूछना चाहता हूं मैं, क्या आरओआर के केस में, क्या आरओआर के केस में ये 75,000 रुपए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आरओआर के केस में, आरओआर के केस में रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट विराट कोहली अगर लंदन में कोई संपत्ति बना ले, लंदन में ही किराएदार रख ले, लंदन में ही उस पैसे को रिसीव कर ले और लंदन में ही उस पैसे को बैंक में जमा करा के इंडिया ले आए, क्या ये इनकम विराट कोहली के लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? होगी, होगी, बिल्कुल होगी। रेंटल इनकम। अच्छा एक बात बता दूं आपको, वैसे तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में इसका आपको जवाब दे दूंगा, जब ये 75,000 रुपए की इनकम आएगी ना तो इसे 30% की डिडक्शन मिलती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं उसको। ये बात आपको हाउस प्रॉपर्टी में सिखा दूंगा मैं, अभी इसको मान के चलिएगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप 75,000 में से माइनस कर लेंगे 30%, तो 75,000 माइनस 30% 52,500। मुझे बताइएगा आर एन ओ आर के केस में ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? आर एन ओ आर यस और नो, यस और नो, यस वाले जितने लोग कहते हैं गलत कह रहे हैं, और सोच लीजिए आप क्यों यस कह रहे हैं। यस वाले भाई मेरे सुनो, यस वाले लोगों सुनो, क्या ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई? नहीं हुई। क्या ये इनकम इंडिया में ड्यू हुई? नहीं हुई। क्या ये इनकम इंडिया में अक्रू हुई? नहीं हुई। क्या ये इनकम इंडिया में अराइज हुई? नहीं हुई। क्या ये इनकम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से आई? नहीं आई। जब आपको आंसर ही सारे नहीं मिल गए तो आपके आंसर भी तो नहीं आने चाहिए ना। नहीं। एनआर के केस में बोल दो, एनआर 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 अनार अनार नो डी। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, आरपी लिमिटेड इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला, इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला, इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड इंडियन कंपनी, आरओआर 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 आरएनओआर और एनआर और एनआर, यस और नो? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, आपको खेती से इनकम हुई है, खेती करने से इनकम हुई है गुजरात में। गुजरात कहां पर है? तालिबान में। गुजरात कहां पर है? तालिबान में। ये लोग कह रहे हैं यस गुजरात तालिबान में। अरे भाई गुजरात इंडिया में है। अब गुजरात इंडिया में है तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, तो यहां पर क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। सर आरओआर के केस में भी एग्जेम्प्ट है? अरे हां भाई हां,
आरओआर वाले के लिए भी एग्जेम्प्ट है, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। 15, 10, 52,500, 6,000 कितना आ गया? 83,500। दूसरा 21, 21 हो गया नोट डाउन, चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा ये जो मैंने नीचे तीन पॉइंट दिए ना, 1, 2 और ये 3, ये रिपीट है जो मैंने पिछले पेज पर आपको सिखाया है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसी को मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, सेम बात लिखी है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल पढ़िएगा, सेम बात लिखी हुई है, एक बार रीड कर लीजिएगा अपने हिसाब से, बिल्कुल सेम है ये, कोई फर्क नहीं है उसमें और इसमें। आइएगा मेरे साथ पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 25। इस पेज पर केवल क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है, केवल क्वेश्चन 25, क्वेश्चन अगले पेज पर शुरू हुआ है। सॉरी 25 अभी नहीं कर रहे हम, 25 अभी नहीं कर रहे, अभी हम करेंगे 27, क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। पेज नंबर मेरे साथ आइएगा पेज नंबर 42 पर, क्वेश्चन नंबर 27। जिन लोगों को बुक नहीं मिली है अभी तक, वो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, और अगर आपको बुक नहीं मिली है तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू फॉर नाउ, मैं आपको इस चैप्टर का पीडीएफ, पिछले चैप्टर का और इस चैप्टर का पीडीएफ दे दूंगा। तब तक आप पीडीएफ से काम चला लीजिएगा जब तक आपकी बुक इन ट्रांजिट है, जब तक आपकी बुक इन ट्रांजिट है तब तक आप पीडीएफ से काम चलाइएगा, बुक मिलते ही आप बुक पर शुरू हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट से मेरे साथ आइए। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम दी है आपको प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है, रेंट इनकम है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, आगे देखिएगा एक और पॉइंट है, फिर आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। Compute his income for the assessment year 22-23 if he is, compute his income for the assessment year 22-23 if he is resident, ordinarily resident, not ordinarily resident and NR. तो ROR, RNOR और NR के केस में आपको बताना है इनकम। सेम फॉर्मेट जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था हम यहां यूज करेंगे। Computation of इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। आरओआर, आरएनओआर, एनआर, ए। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा ऐसे, मैं बस पॉइंट डालूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई आपत्ति तो नहीं है किसी बात की अगर मैं पूरा ना लिखूं तो। सुनिएगा, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए, दिल्ली में प्रॉपर्टी है, दिल्ली में प्रॉपर्टी है, यूएसए में किराया मिल रहा है, दिल्ली की प्रॉपर्टी आप यूएसए में किराया लेने चले गए, आरओआर, 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 कितना अमाउंट है 80,000। आरएनओआर, 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 दिल्ली में मकान है, यूएसए में किराया मिला, आरएनओआर, दिल्ली में मकान है, यूएसए में किराया मिला, एनआर, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन बेंगलोर कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएसए, बिजनेस बेंगलोर में है, बिजनेस बेंगलोर में है, कंट्रोल यूएसए से होता है, आरओआर, आरओआर, आरओआर,
आर एन ओ आर एन आर एन आर इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. यूएसए में बिजनेस बैठा है, इंडिया से चला रहे हैं. ये बिजनेस कहां है? यूएसए में. चला कहां से रहे हैं? इंडिया से. बिजनेस कहां है? यूएसए में. चला कहां से रहे हैं? इंडिया से. बताइए. 120 आर ओ आर आर ओ आर आर एन ओ आर आर एन ओ आर आर एन ओ आर एन आर एन आर एन आर नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट. कोई तो बता दो नॉन रेजिडेंट. एनआर के केस में नो आएगा ना फॉर बी पॉइंट. क्यों भाई एनआर के केस में नो क्यों आएगा यार बी पॉइंट? एक बात बताओ, बिजनेस कहां है? बेंगलोर में. चला कहां से रहे हैं? यूएसए से. बिजनेस अगर बेंगलोर में है तो इनकम कहां अक्रू हो रही है? कहां अक्रू हो रही है इनकम? बिजनेस कहां है? बेंगलोर में. आप इंडिया की सरजमी यूज कर रहे हैं और इंडिया को टैक्स नहीं देके जाएंगे? कंट्रोल थोड़ी देखोगे तुम, अक्रू देखो ना. अक्रू कहां हुई? अक्रू. इंडिया की सरजमी पर तुमने पैर रखा, बिजनेस चलाया और इंडिया से इनकम उड़ा के ले जाओगे? कैसे उड़ा के ले जाओगे यार? बोलो. हां ठीक है. हां जी. 120,000 एनआर के केस में. 120,000 एनआर के केस में अभी करता हूं चंचल. 120,000 एनआर के केस में बता दो, फिर करता हूं. गलत कह रहे हैं सब लोग, गलत कह रहे हैं. कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए. 120,000 रुपए इनकम कहां है? यूएसए में. कंट्रोल कहां से होता है? कंट्रोल कहां से होता है? इंडिया से. क्या इंडिया का हक नहीं है इस इनकम पर टैक्स मांगने का? कंट्रोल इंडिया में हो रहा है. अक्रू कहां हो रहा है? अक्रू कहां हो रहा है? अराइज कहां हो रहा है? अक्रू अराइज इंडिया में नहीं हो रहा क्या? क्या अक्रू और अराइज इंडिया में नहीं हो रहा? बोलिए. भरत कह रहे हैं हाँ हो रहा है. मयूर कह रहे हैं हो रहा है. सब फंस गए मेरी बात में, सब फंस गए मेरी बात में. कैसे हो रहा है भाई? एक बात बताइए, कैसे हो रहा है? बिजनेस कहां है? मेरी बात सुनिए. आप चार्ट पर देखिए, चार्ट पर आइए. मुझे मेरे आंसर का यस और नो करिएगा. क्या ये वाला केस है? क्या ये वाला केस है? यस और नो? नहीं. क्या ये वाला केस है? नहीं. ये कौन सा केस है सर? कंट्रोल वाला. और कंट्रोल किसके हाथ में टैक्सेबल है? केवल. कंट्रोल किसके हाथ में टैक्सेबल है? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया किसके हाथ में टैक्सेबल है? केवल आर एन ओ आर के केस में. किसके हाथ में टैक्सेबल है? आर एन ओ आर के केस में. नॉन रेजिडेंट के लिए तो बात है ही नहीं. तो आपका जो पहले आंसर था नो, वो ठीक था. लेकिन जब मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी, आप कंफ्यूज हो गए, मेरी हां में हां मिला गए. बिल्कुल गलत. आपको अपने अपने फंडामेंटल पर, अपने लॉजिक पर एडमेंट रहना है. देखते हैं कहां तक आप सही होंगे, कहां तक मैं सही होऊंगा. तो यहां पर ये इनकम यूएसए में आ रही है भाई, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है ना, तो ठीक है ना. रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट को टैक्सेबल कर तो दिया, नॉन रेजिडेंट को नहीं करेंगे. नॉन रेजिडेंट को नहीं करेंगे भाई. हमने कंट्रोल फ्रॉम इंडिया किसके लिए बनाया था? किसके लिए बनाया था? आर एन ओ आर के लिए बनाया था. हम नॉन रेजिडेंट को थोड़ी पकड़ना चाह रहे हैं उसमें. तो ये जो 120,000 है, ये रेजिडेंट के लिए है, बिल्कुल ठीक है. आर एन ओ आर के लिए है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन सर ये एनआर के लिए नहीं होगा. एनआर के लिए नहीं होगा. ठीक है, समझ आ गई बात? ये नहीं.
पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो, आर यू क्लियर और नॉट? गलती कहां कर रहे हो आप जल्दबाजी में? आप पहले कंसेप्ट को बिल्कुल बिल्कुल ऐसा स्ट्रांग बना लो कि आपको ICAI सपने में भी आके पूछ लेना, आपका आंसर गलत ना हो। कंसेप्चुअली अपने आप को इतना क्लियर कर लो। हां जी, मैं कहां था? डी पॉइंट पर आइए। डी पॉइंट, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए, यूएसए में प्रॉपर्टी है, रिसीव्ड देयर, वहीं पर किराया मिल गया, वहीं पर किराया मिल गया, यूएसए में प्रॉपर्टी है, वहीं पर किराया मिल गया, बट लेकिन सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया, बाद में उसे इंडिया ले आए, बाद में उसे इंडिया ले आए, यूएसए में प्रॉपर्टी, यूएसए में किराया मिला, बाद में उसे इंडिया ले आए। आर ओ आर। R N O R. अच्छा, आर एन ओ आर के लिए क्यों नहीं किया, कौन बताएगा? सर, आर एन ओ आर के लिए इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पैसा इंडिया में नहीं मिला था, क्योंकि ये पैसा इंडिया में ना तो ड्यू हुआ था, क्योंकि ये पैसा ना तो इंडिया में अराइज हुआ था, क्योंकि ये पैसा ना तो इंडिया में अक्रू हुआ था, और ना ही ये बिजनेस प्रोफेशन का पैसा है जो इंडिया से चल रहा हो। लेकिन सर, बाद में तो इंडिया में आ गया, फिर क्यों नहीं टैक्सेबल किया? कौन बताएगा? बाद में तो इंडिया में आ गया लेकिन फिर भी टैक्सेबल नहीं किया, क्यों नहीं किया? मयूर, लॉजिक गलत है आपका, यूएसए ने टैक्सेबल कर दिया, दैट इज नॉट द लॉजिक। फर्स्ट रिसीप्ट, मैंने कहा था मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, और दो बच्चों को छोड़कर बाकी सब कंफ्यूज हो गए, तीन बच्चों को छोड़कर बाकी कंफ्यूज हो गए। द कंसेप्ट इज फर्स्ट रिसीप्ट। ये किराया पहली बार आपको कहां मिल गया था? यूएसए में, तो यूएसए में टैक्सेबल हो गया होगा, इंडिया उस पर हाथ नहीं डाल सकती। अब रिसीव होने के बाद आप उसे इंडिया में लेके आए हैं, तो एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, आरएनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं आपके लिए। प्रॉपर्टी यूएसए में है, किराया इंडिया में मिला, आरओआर। यस, आर एन ओ आर। यस। ठीक है, ई पॉइंट पर आइए। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विद इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन यूएसए, इंडियन कंपनी में आपने डिपॉजिट्स कर रखी है, उस पर आपको ब्याज मिला, आर ओ आर। क्या एनआर भी आ जाएगा? कौन सा वाला नहीं समझ आया चंचल? कौन सा वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आया? 20,000 वाला, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाला पूछ रहे हैं? वो एग्जांपल जो मैंने दिया था, सुनिए, प्रॉपर्टी, सभी सुनिएगा फिर से, प्रॉपर्टी यूएसए में है, किराएदार ने, जो किराएदार था उस प्रॉपर्टी में, वो मुझे इंडिया में आके किराया दे गया। अब प्रॉपर्टी यूएसए में है, किराया मुझे इंडिया में मिला, तो क्या ये आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा? सर, आरओआर के लिए तो आंखें बंद करो और टैक्सेबल करते चले जाओ, आरओआर में तो पूछना ही छोड़ दो, बहुत ज्यादा टाइम लगता है पूछने में, पूछना ही छोड़ दो। आरएनओआर के लिए बताओ, आरएनओआर में क्या टैक्सेबल होगा इंडिया में? द आंसर इज यस, बिकॉज अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया।
सर एनआर के केस में भी टैक्सेबल होगा? द आंसर इज येस, बिकॉज अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एनी इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एनी इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, बताओ टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? हो जाएगा. अब क्लियर है चंचल? ई पॉइंट, सॉरी एफ पॉइंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 ऑफ अ बिजनेस इन यूएसए रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 नॉट टैक्स्ड अर्लियर, नॉट टैक्स्ड अर्लियर. कितना है? 75,000. आर ओ आर 75,000 रुपए पिछले साल की इनकम, इस साल इंडिया आई है, पिछले साल टैक्स नहीं हो पाई थी. नहीं होगी. गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से आपको गिफ्ट मिला 45,000 रुपए का. गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, 45,000 रुपए का गिफ्ट. आर ओ आर. नो. क्यों कर रहे हो नो? ऐसा क्या हो गया नो? बता दो कोई, क्यों नो हो रही है? क्योंकि सर 50,000 रुपए से नीचे का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता. सिंपल. कहां पढ़ोगे ये बात? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिटेल में पढ़ाऊंगा. 50,000 रुपए से कम का अमाउंट आपको टैक्सेबल नहीं होता. 50,000 रुपए से कम का गिफ्ट आपको टैक्सेबल नहीं होता. नहीं होता. क्लियर? जोड़ लो 80, 1 80, 1 20, 60 प्लस 20, कितना आ जाएगा? 460,000. 80 + 1 80 + 1 20 + 20 कितना आ जाएगा? 400,000. 80 + 1 80 + 20 कितना आ जाएगा? 280. आपके आंसर मैच कर लीजिए. 460,000 ठीक है, 4 ठीक है, 281, इसको 80 कर लीजिए. बताइए क्लियर है ये क्वेश्चन या नहीं? कोई डाउट है किसी को? लिखना तो नहीं है किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइएगा फटाफट से. फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ ए फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22. ये कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं. कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इफ ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट आरओआर एंड नॉन रेजिडेंट एनआर. हां जी. इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी. अच्छा फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. अच्छा दो में ही पूछा है. ये तो तीसरे कॉलम की हमें जरूरत ही नहीं है. आर ओ आर और एनआर के केस में पूछा है. पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन. आर ओ आर, इंडियन कंपनी का डिविडेंड लंदन में मिला, इंडियन कंपनी का इंटरेस्ट लंदन में मिला. आर ओ आर, आर ओ आर 120,000. एनआर 1,000,000 इंडिया के एम्प्लॉयर से पेंशन मिली, बट मिली यूएसए में. इंडिया का एम्प्लॉयर पेंशन दे रहा है यूएसए में. आर ओ आर, आर ओ आर, आर ओ आर
एनआर 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 नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, पेरिस में बिजनेस है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, 2 लाख रुपए आपकी इनकम थी जिसमें सॉरी हाफ ऑफ द इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जिसमें से हाफ इनकम आप इंडिया में ले आए, आरओआर 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 2 लाख, आरएनओआर 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 वेरी गुड वेरी गुड, जिसने भी बोला 1 लाख वेरी गुड। क्यों 1 लाख सर? आर सॉरी नॉन रेजिडेंट के केस में इनकम क्योंकि इंडिया में आधी आई है, आधी आई है, इनकम रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया, इस बेसिस पर 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो रहा है। डी पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया, भूटान का एग्रीकल्चर इंडिया रेमिट हो रहा है, भूटान का एग्रीकल्चर इंडिया रेमिट हो रहा है, भूटान का एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता? एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता, यस और नो? एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता, यस। तो भूटान की एग्रीकल्चर इनकम पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, भूटान की एग्रीकल्चर इनकम पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बोलो मैं सही हूं गलत हूं? भूटान की एग्रीकल्चर इनकम पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बोलो मैं सही हूं गलत हूं? गलत हूं, क्यों गलत हूं, क्यों गलत हूं, क्यों गलत हूं, क्यों 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 बताइए क्यों? आउट ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली सर। इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, भूटान इंडिया नहीं है, भूटान तो विदेश है, क्लियर? इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं है, ये इनकम कहां कमा रहे हो आप? भूटान में कमा रहे हो सर, भूटान में, भूटान वाली इनकम पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलो जी 1.25 दे दिए। नॉन रेजिडेंट भी देगा क्या? नॉन रेजिडेंट भी देगा क्या बताइए? नॉन रेजिडेंट भी टैक्स देगा क्या इस पर? यस और नो बोलो। क्वेश्चन आपके सामने है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान रेमिटेड टू इंडिया, इंडिया में आ गई है वो इनकम, नॉन एग्रीकल्चर नॉन रेजिडेंट देगा क्या? यस और नो? यस। कौन कह रहा है यस? क्यों देगा भाई? नॉन रेजिडेंट की इनकम वही तो टैक्सेबल करोगे जो इंडिया में रिसीव होगी या इंडिया में ड्यू होगी, ना तो ये भूटान के एग्रीकल्चर की इनकम इंडिया में रिसीव हुई है ना ड्यू हुई है। अब आप कहोगे सर यहां लिखा तो है रेमिट, अरे रेमिट अलग चीज होती है, रेमिट का क्या मतलब होता है? पहले आप रिसीव वहां कर रहे हो और वहां से यहां भेज रहे हो, रेमिट का मतलब क्या होता है? आपने वहां रिसीव कर ली और बाद में उसे इंडिया भेजा है, और जब रिसीव वहां कर ली तो फर्स्ट रिसीप्ट देखोगे या नहीं देखोगे? फर्स्ट रिसीप्ट देखोगे या नहीं देखोगे? देखोगे ना। तो फर्स्ट रिसीप्ट कहां है? भूटान में है, तो नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा, नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा। एफ पास्ट सॉरी ई पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर, प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, किराया भी आपको वहीं मिल गया, प्रॉपर्टी इंग्लैंड में है, किराया भी आपको वहीं मिल गया, आरओआर 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 एनआर 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 पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया, पुरानी फॉरेन की इनकम इंडिया में लेके आए हैं, पुरानी फॉरेन की इनकम इंडिया में लेके आए हैं, आरओआर एनआर। गिफ्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ए आउटसाइड इंडिया ऑन 5/8/2021 फ्रॉम वाई
अ रेजिडेंट इन इंडिया. गिफ्ट मिला है आपको, गिफ्ट मिला है आपको, इंडिया के बाहर मिला है, 5 अगस्त 2021 को मिला है, वाई से मिला है और वाई भारत का रेजिडेंट है, वाई इंडिया का रेजिडेंट है. आर ओ आर, आर ओ आर, आर ओ आर, यस और नो, यस और नो, आर ओ आर. गिफ्ट मिला है आपको, गिफ्ट मिला है आपको, 1,30,000 रुपए का गिफ्ट मिला है आपको वाई से. आप भी इंडिया के लोग बंदे हैं, वो भी इंडिया का बंदा है, आप भी रेजिडेंट हैं, वो भी रेजिडेंट है, बस गिफ्ट मिला बाहर है आपको, गिफ्ट मिला बाहर है आपको. मेरा सीधा सवाल, आरओआर टैक्स देगा या नहीं देगा, आरओआर टैक्स देगा या नहीं देगा, आरओआर देगा, क्यों देगा, क्यों देगा सर? आरओआर के लिए तो हर तरह से मरना है, आरओआर के लिए तो हर तरह से मरना है. चाहे गिफ्ट उसे इंडिया में मिल जाता, चाहे गिफ्ट उसे बाहर मिला, उसके लिए तो टैक्स लगेगा ही लगेगा. अब बताओ एनआर के लिए लगेगा या नहीं लगेगा, एनआर के लिए लगेगा या नहीं लगेगा, एनआर के लिए, एनआर, एनआर बोलो भाई, बोलो एनआर के लिए टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? एनआर, एनआर, जो लोग कह रहे हैं नहीं लगेगा गलत कह रहे हैं. मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए. ए कहां का है? इंडिया का. बी कहां का है? इंडिया का. दो इंडियन, दो इंडियन, दो रेजिडेंट, दो रेजिडेंट मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं 1,20,000 का. क्या इंडिया, क्या इंडिया में ये अक्रू, क्या इंडिया में ये अक्रू और अराइज नहीं हुआ? दो इंडिया के रेजिडेंट हैं, इंडिया के रेजिडेंट चाय पीने गए अमेरिका, दोनों ने वहां पर एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया, क्या ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं है? इंडिया के हैं, दोनों ही इंडिया के हैं, दोनों ही इंडिया के हैं. हेंस, हेंस, हेंस इट इज इंक्लूडेड इन एनआर ऑल्सो. अगर आप एनआर हैं, आपको गिफ्ट मिल रहा है, अगर आप एनआर हैं, आपको गिफ्ट मिल रहा है किससे? इंडिया के रेजिडेंट से, इंडिया के रेजिडेंट से, तो ये इंडिया में ही तो अक्रू और अराइज माना जाएगा. हेंस इट इज इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड इन 1 lakh इन इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट. इसके बाद देखिए क्या पॉइंट है, फिनिश, फिनिश बताइए, टोटल कर लीजिए एक बार. 1,20,000 प्लस 180 प्लस 2 lakh प्लस 125 प्लस 4 lakh प्लस 125 कितना आ गया? 11,45,000. दूसरे केस में 120 प्लस 180 प्लस 1 lakh प्लस 120 5,20,000. ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं, आइएगा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 29. अच्छा एक बात बताइएगा, क्या मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 होमवर्क दे दूं? नाउ चॉइस इज योर. मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, मेरे पास बहुत ही शानदार एक ऑप्शन है. ऑप्शंस आर एज बिलो. सर या तो आप क्वेश्चन नंबर 29, 30 और एक ऑप्शन ये है कि या तो आप ये दोनों क्वेश्चन हमें करवा दो. दूसरा ऑप्शन है आपके एग्जाम में जुलाई 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था रेजिडेंशियल स्टेटस पर, वो क्वेश्चन करा दो आज. आज क्या करना पसंद करेंगे आप?
ऑप्शन नंबर वन लेना पसंद करेंगे आज या ऑप्शन नंबर टू लेना पसंद करेंगे आज? अगर आपने ऑप्शन नंबर टू ऑप्ट किया है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन आपके लिए क्या बन रहा है? होमवर्क। एग्री? ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आओ मेरे साथ। अब मैं कहां लेके चल रहा हूं आपको? अब हम चल रहे हैं सर जुलाई 2021 के पेपर की सैर करने। आइएगा मेरे साथ जुलाई 2021 का पेपर देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और पूरा उसको सॉल्व करके घर चले जाएंगे अपने अपने घर पर तो आप हो ही, आई मीन टू से सब सोने चले जाएंगे। पास्ट एग्जाम में हम आ गए हैं जुलाई क्वेश्चन पेपर पर। ये मैंने आपके लिए खोल दिया है क्वेश्चन पेपर और ये क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास इनकम टैक्स। उसके बाद ये हम ले आते हैं इसके अंदर, ये फाइनली ओपन हो गया क्वेश्चन पेपर। आइएगा क्वेश्चन नंबर रेजिडेंशियल स्टेटस पर आया था, ये पहला क्वेश्चन नहीं था पहले के बाद, फिर दूसरा क्वेश्चन कहां से है? ये रहा, ये मिसेस रोहिणी, हां जी यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 6 नंबर का। देखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मैं गारंटी देता हूं आपको मजा आ जाएगा, गारंटी देता हूं। आप कहेंगे सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, हमेशा पेपर ऐसा ही आता है हमेशा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं होता उन्हें लगता है बड़ा मुश्किल आया था और जो पढ़ के जाते हैं उनके लिए आसान होता है। क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ। मिसेज रोहिणी जिनकी उम्र है 62 वर्ष, क्या है ये? सीनियर सिटीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, बिलीव मी इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका पहला चैप्टर और रेजिडेंशियल स्टेटस रिवाइज हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली, उनका जन्म भी दिल्ली में हुआ था और वो पली बड़ी भी दिल्ली में थी। शी गॉट मैरिड इन रशिया इन 1996 के जमाने में उनकी रशिया में शादी कर दी गई। एंड सेटल्ड देयर, और वो वहीं पर रहने लगी, सेटल्ड हो गई। सिंस हर मैरिज, जब से उनकी शादी हुई वो वहीं रहने लगी। शी विजिट्स इंडिया फॉर 60 डेज ईच ईयर, अब वो अपने मायके आया करती थी। कितने दिन के लिए आती थी? अपने मायके 60 दिन के लिए, हर साल आती थी छुट्टियां मनाने। 30 दिन गर्मी की छुट्टी, 30 दिन सर्दी की छुट्टी, तो 60 दिन वो इंडिया आती थी हर साल। ड्यूरिंग हर समर ब्रेक, अच्छा विंटर में नहीं आती थी भाई, सर्दियां तो रशिया में भी बहुत पड़ रही होगी तो वो इंडिया सर्दियां छुट्टी मनाने नहीं आती थी, क्योंकि रशिया में बहुत ज्यादा ठंड थी तो इसलिए वो इंडिया में समर वेकेशंस मनाने आती थी। आगे फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ हर इनकम फॉर अ प्रीवियस ईयर एंडेड दिस, तो ईयर एंडेड हुआ 21 का, आप इसे अपने लिए मान के चलेंगे 22 का। ठीक है, ये तो समझोगे ये पिछले साल का पेपर है तो पिछले असेसमेंट ईयर पर आधारित है तो इसको हम 22 कर देंगे। आगे पढ़िए इनकम क्या है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट, अब वो रशिया में रहती है, रशियन गवर्नमेंट से उन्हें पेंशन मिलती है, सीनियर सिटीजन हो गई है भाई, तो रशिया की सरकार उन्हें पेंशन देती है, कितनी? 65,000 रुपए। मेरा आपसे सीधा एक सवाल है, सीधा एक सवाल, पेंशन जो रशिया की गवर्नमेंट उन्हें देती है क्या इंडिया उस पर टैक्स मांगेगी? क्या इंडिया उस पर टैक्स मांगेगी? हाँ या ना करते चले जाइएगा, नहीं मांगेगी, नहीं मांगेगी, सब कह रहे हैं नहीं मांगेगी। अरे भाई नो करने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लेते, सर वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, एक बार तो पूछ लेते मुझसे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट हुई तो अब अपने आंसर बता दो, जितने लोगों ने नो किया है एक बार बता दो, अगर वो रेजिडेंट हुई तो फिर आपने कैसे नो कर दिया एकदम से? यही तो गलती आप एग्जाम में कर रहे हो, यही तो गलती हो रही है, आप समझ पा रहे हो क्या गलती कर रहे हैं बच्चे?
जल्दी इतनी है, पता नहीं भाई किस बात की जल्दी है आपको, क्या पेपर जल्दी खत्म करके अवार्ड मिलेगा? जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है यार आपको। मैंने आप ही के सामने बात प्रूव कर दी ना कि आपकी जल्दबाजी से आंसर गलत हो जाएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा क्या ये फ्लेक्सिबल होगा या नहीं, आपने कहा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अरे भाई पहले स्टेटस देखो, अगर वो रेजिडेंट हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट हुई तो नहीं होगा। जल्दी मत करो। आगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ लैंड, लैंड बेचने से उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और आगे लिखा है एट अ न्यू दिल्ली कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब होता है आपको ये फाइनल इनकम बता दी गई है। कंप्यूटेड का मतलब होता है आपको फाइनल इनकम बता दी गई है। तो 3 लाख रुपए उसे इनकम हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैं आपसे पूछता हूं 112 है ये या 112 ए है ये कौन सा वाला कैपिटल गेन है, 112 या 112 ए, 112 या 112 ए, 112 या 112 ए, कौन सा कैपिटल गेन है ये? 112 है, 112 है सर। 112 ए कब होता है? जब वो शेयर्स पर है, जब वो शेयर्स पर है, जब वो शेयर्स पर है, तो 112 ए नहीं है, 112 ए नहीं है। और सर अगर 112 है, 112 है तो उसका रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? 112 है तो रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? 112 का रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? बेसिक चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स पहला चैप्टर बताया गया था, 112 में रेट ऑफ टैक्स कितना होता है? 20%। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एसटीडी वॉज पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एट द टाइम ऑफ सेल कंप्यूटेड। कंप्यूटेड का मतलब कैलकुलेट करके दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर 111A, इसका रेट ऑफ टैक्स कौन बताएगा मुझे? 111A का रेट ऑफ टैक्स कौन बताएगा मुझे? 15%। आगे बढ़िए, प्रीमियम पेड फॉर टू रशियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एट रशिया, प्रीमियम पेड फॉर रशियन लाइफ इंश्योरेंस एट रशिया, प्रीमियम पे किया 75,000 रुपए, प्रीमियम पे किया 75,000 रुपए, ये डिडक्शन मिलती है आपको, ये आपको डिडक्शन मिलती है, इसकी आपको डिडक्शन मिलती है। प्रीमियम पेड टू इंडियन रशियन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एट रशिया, तो ये ATC मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए बता रहा हूं डिडक्शन मिलती है, वरना अगर मैं पढ़ा चुका होता तो मैं ऐसे ना पूछता आपसे। रेंट रिसीव्ड इक्विवेलेंट टू एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू का मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। तो रेंट मिला आपको 90,000 रुपए नेट एनुअल वैल्यू इन हाउस प्रॉपर्टी एट ए न्यू दिल्ली, दिल्ली की हाउस प्रॉपर्टी है, 90,000 रुपए आपको किराया मिला, 30% की डिडक्शन दे देना, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, 30% की डिडक्शन दे देना, दे देना। क्यों देना सर? क्योंकि वो एनएवी में से मिलती है, एनएवी में से 30% माइनस होके ही आपकी इनकम निकाली जाती है। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको क्या पता लगाना है उसका? रेजिडेंशियल स्टेटस किसका? मिसेज रोहिणी का, एंड कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। आपको क्या बताना है? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, और उसकी इनकम बतानी है, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। अब मेरी बात को आप समझ पाए हैं? 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 चीजें पूछी हैं, तो आपके 2 नंबर किस बात के हैं? सॉरी, 1 नंबर आपका है स्टेटस बताने का, 1 नंबर किस बात का है आपका? स्टेटस का। आधा 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 आपका नंबर है इसका, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, और बाकी बचे हुए जितने नंबर हैं वो आपके फाइनल आंसर के हैं। आइए मेरे साथ, 3 फेजेस में क्वेश्चन पूरा होगा, 3 फेजेस में क्वेश्चन पूरा होगा। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन 2A, जुलाई 2021 एग्जाम, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। हेडिंग डाली आपने, एग्जामिनर को बताया कि देख पहले मैं क्या बता रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं रेजिडेंशियल स्टेटस। सो एनी
individual shall be treated as resident if he or she satisfy any one of the below basic condition. Pehli condition kya hai? He or she stay in India for 182 days or more, or he or she stay in India for. रुक जाइएगा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा. दोस्तों क्या ये नॉर्मल सिनेरियो है? क्या ये नॉर्मल वाला केस है या 15 लाख वाला केस है? क्या ये नॉर्मल केस है या 15 लाख वाला केस है? क्या ये नॉर्मल केस है या 15 लाख वाला केस है? नॉर्मल केस है. नॉर्मल क्यों लगा आपको? क्योंकि सर 15 लाख वाला पता है कहां देखना होता है? जहां पर कोई इंडियन सिटीजन है, नौकरी वोकरी के लिए, बिजनेस के लिए छोड़ गया था इंडिया. ये इंडिया क्यों छोड़ के गई थी रोहिणी? इंडिया क्यों छोड़ के गई थी? इसकी तो शादी हो गई थी रशिया में, तो ये नौकरी के लिए छोड़ के नहीं गई थी. ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गई थी, बिजनेस के लिए नहीं गई थी. ये मेंबर ऑफ क्रू भी नहीं थी, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं थी. ये तो शादी करके रशिया चली गई थी, इसलिए नॉर्मल केस है. और जब नॉर्मल केस होगा तो आपको कंडीशन 182 साथ में 60+365 देखना है या 120+365 देखना है? 60+65 या 120+365? 60+65 या 120+365? 60+365 फॉर 60 days और मोर और 365 days और मोर इन लास्ट 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट मत करिएगा, ईपीआर मत करिएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही करिएगा. तो यहां पर आपने एग्जामिनर को क्या समझाने की कोशिश करी है कि मुझे लॉ पता है. अब आगे आइए. सिंस स्टे ऑफ मिसेस रोहिणी इन इंडिया फॉर सिक्स, कितने दिन रुकती है वो इंडिया में? 60 days. इन प्रीवियस ईयर 2021-22. मैं आपके असेसमेंट ईयर के हिसाब से आंसर लिखवा रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन भले ही पुराने असेसमेंट ईयर का है, मैं आंसर आपके असेसमेंट ईयर पर लिखवा रहा हूं. सिंस स्टे ऑफ मिसेज रोहिणी इन इंडिया फॉर 60 days इन प्रीवियस ईयर 22 एंड शी स्टे इन इंडिया फॉर, अब एक बात बताओ, वो हर साल अगर 60 दिन के लिए आती है तो पिछले 4 सालों में कितने दिन के लिए आएगी? 60 × 4 फॉर 240 days इन लास्ट 4 ईयर. सो यहां पर आपने अपना क्वेश्चन बता दिया कि भाई क्वेश्चन में वो कितने दिन इंडिया में रुकी? 60 दिन रुकी और 240 दिन रुकी. अब आप फाइनल कंक्लूजन देंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स मिसेज रोहिणी इज, आंसर बता दो, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट?
अब बता दो पेंशन फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है? अब बता दो पेंशन फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है? दिखा रहा हूं, मयूर अभी कर रहा हूं, पहले इसका आंसर। पेंशन फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट अब टैक्सेबल है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पाए हैं? बताइए क्या क्या पेन है इस बात को बताने में कि आपकी जल्दीबाजी का आंसर आपको ले डूब सकता है एग्जाम में। तो जल्दीबाजी मत करो, पहले कंक्लूजन पर पहुंचो, एनालिसिस करो, फिर कंक्लूजन पर पहुंचो। ये लो जी स्लाइड देख लो आप, ये वाली दिखानी है मयूर या ये वाली दिखानी है? चले आगे, चल सकते हैं आगे। हाँ जी, तो हमने ये डिसाइड कर लिया ये नॉन रेजिडेंट है। अच्छा आइए अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो इसका सेकंड फेज है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टैक्स देयर ऑन। पर्टिकुलर अमाउंट, हाँ जी इनकम्स देखिए। सबसे पहले इनकम, मैं इसे इरेज कर रहा हूं ये जो मैंने सब बना रखा है यहां पर। हाँ जी, सबसे पहले इनकम क्या है? पेंशन। हाथ लगाओगे इस पेंशन पर या नहीं लगाओगे? हाथ लगाओगे या नहीं लगाओगे इस पेंशन को? टच करना है या नहीं करना है बोलो भाई? नहीं करना है तो यहां पर लिखिए पेंशन इनकम फ्रॉम रशियन गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे आप एग्जेम्प्ट है। दूसरी इनकम क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ लैंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ब्रैकेट में अगर आप लिखे आएंगे ना, लिखे आएंगे 112, तो एग्जामिनर की ना ऐसे आंखें खुल जाएंगी, वो कहेगा वाह बच्चे को पता है 112 है। तो बताइए ये इनकम है या नहीं है? क्या ये इनकम है या नहीं है? है, 3 लाख। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? क्या ये इनकम है? यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। सर अभी आपने बोला अगर लिखे आओगे तो एग्जामिनर की आंखें खुल जाएंगी, तो क्या वो हमें ज्यादा नंबर दे देगा? नहीं, नंबर इस बात के नहीं है कि आपने 111A लिख दिया। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपको टैक्स कैलकुलेट करवाया जाएगा तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि आपको पता है 111A है, तभी तो आपने सही टैक्स निकाला है। अगर आपको पता ही ना हो 111A है तो आप टैक्स कैसे निकालोगे? इसलिए 111A लिखने से अलग नंबर मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट हाँ लिख दोगे तो मैंने बताया था ना इम्प्रेशन अलग जाएगा, इम्प्रेशन ये जाएगा कि आप एक बहुत समझदार व्यक्ति हैं
और आप जानते हैं ये 111 ए है, इतना इंप्रेशन बस जाएगा। तो कितना ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? 60,000 रुपए। ये लो जी, आगे पॉइंट नंबर टू हो गया, पॉइंट नंबर थ्री हो गया, मैं ये इरेज कर देता हूं सब, ये जो मैंने बना रखी है खिचड़ी सी, इसमें से मैंने सब हटा दिया। ये हाँ जी, मेरे साथ वापस से, पॉइंट नंबर थ्री मेरा हो गया। पॉइंट नंबर फोर डिडक्शन की बात करता है एटीसी की, तो इसे यहां इनकम में अभी नहीं लेंगे। फिर है रेंट, रेंट रिसीव्ड इक्विवेलेंट टू नेट एनुअल वैल्यू 90,000 रुपए न्यू दिल्ली की प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला था इसमें से 30% की डिडक्शन दे देना, क्योंकि मैंने अभी वो चैप्टर आपको सिखाया नहीं है, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। तो यहां पर आप लिखेंगे रेंटल इनकम, तो यहां आप लिखेंगे रेंट रिसीव्ड 90,000 रुपए, माइनस कर देंगे आप इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, वहां पर सिखा दूंगा ये 24A क्या है। 90,000 का 30% आप माइनस कर दो, 27,000, और जो फाइनल इनकम निकल के आएगी उसे भेज दो अंदर। बेसिकली ये इनकम टैक्स की ना कंप्यूटेशन बनाने के तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। जब तक फाइनल अमाउंट ना आए, ये ना आए, इसे अंदर ही कैलकुलेट करते रहेंगे, जब फाइनल अमाउंट आ जाएगा उसे बाहर भेज देंगे। तो ये एक तरीका है जो हम फॉलो करते हैं। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको भी हैबिट हो जाएगी कि कब तक किसी अमाउंट को अंदर रखना है और कब किसी अमाउंट को बाहर भेज देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में और कोई इनकम है क्या दोस्त? नहीं है, तो बस यहां पर एक लाइन डाल दो और इस लाइन को लिखोगे क्या आप? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? 3,00,000 प्लस 60,000 प्लस 63,000, तो कितनी आ गई? 3,00,000 प्लस 60,000 प्लस 63,000, 4,23,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं डिडक्शंस, डिडक्शंस, और डिडक्शंस में एटीसी एक डिडक्शन होती है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन आपको देती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन आपको देती है। मेरी क्लास अभी 15-20 मिनट और चलेगी, और दिन में 10:30 बजे बंद कर रहा था, आज नहीं होगी, इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद ही बंद करेंगे, तो पेशेंस रखिएगा। नींद वींद आ रही हो तो चाय की चुस्की आप ले सकते हैं। अब एटीसी से मेरा एनालिसिस शुरू होगा, यही इस क्वेश्चन की जान थी। 6 नंबर आपको क्यों मिल रहे थे? यहीं पर वो पॉइंट आएगा। बताइए उसने प्रीमियम कितना पे किया है, मुझे बताइए उसने प्रीमियम कितना पे किया है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सर उसने प्रीमियम पे किया है 75,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उसकी इनकम कितनी है? उसकी इनकम कितनी है सर? 4,23,000। उसकी इनकम है 4,23,000, उसने प्रीमियम पे किया है 75,000, तो उसे डिडक्शन कितनी दोगे? 75। उसे डिडक्शन कितनी दोगे? 75,000। यस और नो? यस और नो? क्या उसे डिडक्शन 75,000 दोगे? यस और नो? गलत, गलत। जितने कह रहे हैं यस, गलत कह रहे हैं। हालांकि आपकी गलती नहीं है, यहां पर गलती बताता हूं क्या है। अभी मैंने आपको डिडक्शन का चैप्टर नहीं करवाया है, इसलिए आप ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन आज सुन लीजिए मेरी बात को। मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, डिडक्शंस, लिख लीजिएगा इस बात को, लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम स्पेशल इनकम। ये जो डिडक्शंस होती है ना, ये आपको स्पेशल इनकम से नहीं दी जाती। और कौन कौन सी स्पेशल इनकम होती है हमारे पास बताएंगे? 112 ए, 111 ए, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी।
सर ये होती हैं आपकी स्पेशल इनकम और डिडक्शंस आर नॉट अलाउड, डिडक्शंस आर नॉट अलाउड टू फ्रॉम स्पेशल इनकम, डिडक्शंस आपको स्पेशल इनकम से नहीं मिलती। मयूर नॉन इंडियन, गलत गलत, डिडक्शन नॉन रेजिडेंट को मिलती है, डिडक्शंस नॉन रेजिडेंट को मिलती है एटीसी वाली, जहां नहीं मिलती वो मैं बताऊंगा कौन सी नहीं मिलती, एटीसी मिलती है। तो डिडक्शन स्पेशल इनकम से आपको नहीं मिलती। सर मेरे क्वेश्चन में मेरी इनकम कितनी है, 4,23,000, तो मुझे तो 75,000 मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि सर इस 4,23,000 में 3,00,000 रुपए आपकी स्पेशल इनकम है, इसके अंदर 60,000 रुपए आपकी स्पेशल इनकम है, इसके अंदर नॉर्मल इनकम कौन सी है, नॉर्मल इनकम कौन सी है, केवल और केवल 63,000 रुपए है, केवल और केवल 63,000 रुपए है। अब क्योंकि नॉर्मल इनकम आपकी 63 है तो आपकी डिडक्शन 75 नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल इनकम आपकी 63,000 है आपकी डिडक्शन 75 नहीं हो सकती। आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितनी दी जाएगी, ओनली 63,000। लिखिएगा इस बात को यहां पर, एग्जामिनर को भी तो बता के आना है ना आपको, बीइंग सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अलाउड ₹63। और यहां लिखेंगे आप एक नोट, चल भाई एग्जामिनर मेरे साथ नोट नंबर 1 पढ़, नोट नंबर 1 में आप एग्जामिनर को बताएंगे, आ भाई नोट नंबर 1, डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम स्पेशल इनकम सच एज 111A, 112A, 112 एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अब एग्जामिनर बस ये नोट पढ़ेगा और समझ जाएगा कि आपको ये बात पता है। तो आपको डिडक्शंस कितनी दी गई, 63,000 रुपए। देखो अंदर फिर से मैंने क्या खेल खेला, ये सारी बातें मैं अंदर लिखता गया, लेकिन जो फाइनल अमाउंट निकलना था मैंने उसे बाहर भेज दिया। अब बताओ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, नेट टैक्सेबल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद क्या बचता है, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बची, 4,23,000 में से 63 माइनस कर दो, 3,60,000। अब निकालना है टैक्स ऑन टोटल इनकम। हां जी टैक्स निकलवाइए, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, टैक्स ऑन 112 सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था आपको, 3,00,000। 3,00,000 पे कितना टैक्स आएगा, 20%, कितना हो गया, 60,000। फिर आप क्या लिखेंगे, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था, 60,000, इसका टैक्स रेट कितना था, 15%, 9,000। फिर आप लिखेंगे टैक्स ऑन अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है आपकी, अदर इनकम कितनी है आपकी बताइए, अदर इनकम कितनी है आपकी, लास्ट फीचर है क्वेश्चन का, बस ये पॉइंट मैंने समझा दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं लास्ट पॉइंट बता दो मुझे, अदर इनकम कितनी है आपकी, अदर इनकम बता दो भाई, एनर्जी के साथ जाते जाते एनर्जी मत लूज करो, मेरे को बता दो अदर इनकम कितनी है आपकी। प्रीथल गलत आंसर, 63,000 इनकम नहीं है, 63,000 में से तो डिडक्शन ले ली है आपने 63,000 की, तो इनकम कहां बची अब आपकी, जीरो,
इनकम कहां बची आपकी? जीरो. यस और नो? बोलो प्रीथल, समझ आया है पॉइंट? 63,000 की इनकम में से तो आपने 63 की डिडक्शन ले ली, अब इनकम तो आपकी जीरो हो गई. मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन कुछ और घूम रहा है मेरे दिमाग में, सोच के जवाब दीजिएगा. मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स. जब एग्जाम में बच्चा बैठता है तो क्या गलती करता है मैं बताता हूं. गलती भी नहीं करता, वो सही सोच रहा होता है, लेकिन क्या चल रहा होता है दिमाग में? क्लासे उसने सुनी होती है, लेकिन आधी नींद में सुनी होती है और आधी जगे हुए में सुनी होती है. मतलब आधा आधा, एक कान में गाना सुन रहा होता है, एक कान में क्लास सुन रहा होता है. अब क्लास में उसने सुना, पहले चैप्टर में सुना, क्या सुना? अगर किसी की अदर इनकम, अगर किसी की अदर इनकम, नॉर्मल इनकम उसके स्लैब से कम हो जाती है, तो जितना उसका शॉर्टफॉल रहता है, जितना उसका अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन बचता है, एग्जेम्पशन लिमिट बचती है अनयूटिलाइज्ड, तो वो अनयूटिलाइज्ड इनकम स्पेशल इनकम से एडजस्ट हो जाती है. वो अनयूटिलाइज्ड इनकम स्पेशल इनकम से एडजस्ट हो जाती है. मेरे केस में, इस वाले क्वेश्चन में 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है. सीनियर सिटीजन है. 3 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है. 3 लाख रुपए की एग्जेम्पशन में मेरी नॉर्मल इनकम जीरो है. क्योंकि मेरी नॉर्मल इनकम जीरो है, तो 3 लाख रुपए का जो अनयूटिलाइज्ड स्लैब है, इसे मेरी स्पेशल इनकम से एडजस्ट करवा दिया जाएगा. तो ऐसे में जो मैंने यहां पर टैक्स कैलकुलेट किया है, ये गलत हो गया मेरा. क्योंकि मेरी अदर इनकम 3 लाख रुपए के स्लैब से कम है, जीरो है, तो 3 लाख रुपए का स्लैब बेनिफिट तो मेरे को स्पेशल इनकम से दोगे क्या? 3 लाख रुपए का स्लैब बेनिफिट मुझे स्पेशल इनकम से दोगे? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सोच के जवाब दे दो. क्या मेरे 3 लाख रुपए का शॉर्टफॉल आपको बस समझ नहीं आई है तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं. मेरी अदर इनकम, नॉर्मल इनकम जीरो है, मेरा स्लैब क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूं तो 3 लाख का है. अब क्योंकि मेरे को यहां पर शॉर्टफॉल है 3 लाख का, इसका मतलब अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए की, तो इसे मैं स्पेशल इनकम से एडजस्ट कर दूंगा. यस और नो गाइस? फटाफट से, बस मुझे आपके 2 मिनट और चाहिए इसी पॉइंट पर. यस और नो. भरत, आपके अलावा कोई और आंसर? भरत के अलावा कोई और आंसर देना चाहता है यस और नो में? इतने सारे लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपसे प्लीज जवाब मांग रहा हूं. चंचल कह रही है सर एनआर है, एग्जेम्पशन 2.5 लाख की होगी. चलो चंचल, आपकी बात बड़ी कर दी आज, 2.5 लाख कर देते हैं. ढाई लाख का तो एडजस्टमेंट दोगे क्या? ढाई लाख का एडजस्टमेंट दोगे? यस और नो बता दो. जितनी जल्दी आंसर दोगे उतनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी. नहीं दोगे, मैं बार बार पूछता रहूंगा. जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेंगे आपसे, मैं तब तक पूछता रहूंगा. मैं तो आपसे भी बड़ा वाला बेशर्म हूं. मुझे बड़ी हैरानी हो रही है ये जानकर कि आप लोग ऐसे चुप बैठे हो. सच में आज मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है ये जानकर कि आप चुप बैठे हो.
ऐसे हैरान परेशान हतप्रभ हो गए हो कि मैंने क्या पूछ डाला आपसे आज। मयूर रिपीट द क्वेश्चन। मयूर क्वेश्चन मेरा ये था, इस क्वेश्चन में वो 62 साल की है, सीनियर सिटीजन है, उसको स्लैब मिलता है 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए के स्लैब में क्योंकि उसकी अदर नॉर्मल इनकम 0 है, तो जो अनयूटिलाइज्ड स्लैब है उसकी एक लिमिट बच रही है ना 3 लाख की, क्या वो 3 लाख रुपए की लिमिट जो उसकी बच रही है, कैन वी एडजस्ट दैट 3 लाख रुपीज इंटू द स्पेशल इनकम, टूवर्ड्स द स्पेशल इनकम? क्या मैं 3 लाख रुपए की अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्या स्पेशल इनकम से एडजस्ट कर सकता हूं? यह था मेरा क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है आपका आंसर। लेकिन अब यह ठीक क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आपको चैप्टर 1 पर वापस लेके गया हूं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर 1 पर वापस लेके गया हूं, मैंने इस प्रोविजन के आपके सामने दिखाया है कि देखो ये प्रोविजन क्या कहता है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन में 2 गलतियां थी, जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा था मैं उसमें 2 गलतियां कर रहा था। पहली गलती कौन बताएगा क्या गलती कर रहा था मैं? देखो दैट इज ओनली द वे कि मैं आपके दिमाग में कंसेप्ट डाल पाऊं कि मैं क्या गलत कह रहा था। मुझे बताओ पहली गलती में क्या कर रहा था क्वेश्चन में, जब मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा था तो पहली गलती में क्या कर रहा था? सर पहली गलती में कर रहा था कि मैं 3 लाख रुपए का स्लैब बार बार बोल रहा था, 3 लाख का स्लैब, सीनियर सिटीजन 3 लाख का स्लैब, 3 लाख का स्लैब। सर 3 लाख का स्लैब तो उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को तो 2.5 लाख का ही स्लैब मिलता है, नॉन रेजिडेंट को तो 2.5 लाख का ही स्लैब मिलता है। तो पहली गलती तो आप जो बोल रहे थे, मैं जो बोल रहा था वो क्या गलत बोल रहा था? 3 लाख का स्लैब। और सर दूसरी गलती, ये जो एडजस्टमेंट बेनिफिट है दैट इज अवेलेबल ओनली टू द रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट को ये एडजस्टमेंट बेनिफिट नहीं मिलता, तो क्योंकि ये उसे नहीं मिलता तो आप ये उसे नहीं दोगे ना मेरे दोस्त। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या डिटरमाइन किया कि वो नॉन रेजिडेंट है? उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है मुझे ऐसी। बाकी आप मुझे बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो। हाँ जी, 4% कितना आ जाएगा? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? सो गाइस यू कैन सी 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अब आप खुद देख सकते हैं 6 नंबर में इंस्टीट्यूट आपसे कितने चैप्टर पूछ गया बताइए। इस 6 नंबर के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने आपसे कितने चैप्टर पूछे हैं? कैन एनीवन टेल मी?
कितने चैप्टर पूछ गया इंस्टीट्यूट आपसे इस 6 नंबर में? यू वॉन्ट टू कॉपी दी आंसर? मैं ये वाली स्लाइड लगाऊं या ये वाली? हां जी, इंस्टीट्यूट ने आपसे कितने चैप्टर पूछ लिए इस 6 नंबर के लिए? 6 नंबर के क्वेश्चन में कितने चैप्टर पूछ गया वो? 1, 2, 3? 1, 2 या 3? 3. कौन कौन से? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पूछ गया, रेजिडेंशियल स्टेटस भी पूछ गया, और डिडक्शन का चैप्टर भी आपसे टेस्ट करवा गया. 3 चैप्टर यहां पर आपसे पूछे हैं इंस्टीट्यूट ने 6 नंबर के क्वेश्चन में. कैन आई चेंज दिस स्लाइड? अगर किसी को ये नोट करना हो तो आप नोट को भी नोट कर सकते हैं. चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. कल की क्लास रेजिडेंशियल स्टेटस की हमारी लास्ट क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम कुछ बची हुई बातें आपके साथ कवर करेंगे और उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. आपके डाउट्स एंड क्वेरी, अगर किसी को भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव यू कैन आस्क. भरत, बुक नहीं भेजी. आपको मैं भी व्हाट्सएप कर दूंगा थोड़ी देर में, आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा लिंक. उस लिंक में बुक का लिंक होगा, आप वहां से उसे परचेज कर पाएंगे. एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? जो स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर पर क्लास ले रहे हैं, लाइव एट होम सॉफ्टवेयर पर क्लास ले रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है आप भी पूछ सकते हैं. और जो स्टूडेंट्स क्लास प्लस ऐप पर क्लास ले रहे हैं, आरडीबी क्लासेस पर, उस पर भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी कैन लीव फॉर द डे इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन. चलिए गाइज, नो क्वेश्चन, देन वी कैन एंड दिस लाइव सेशन एंड क्लास फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. शपथ है, मिलता हूं कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम तरह से.